ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शहजाद नवीद जदून है। मैं एबीसीडी टीवी के बिहाफ पे अगेन आपको खुश आमदेद कहता हूँ। जैसे कि बहुत से दोस्त हमें सिंस मार्च देख रहे हैं कि हमने सीरीज ऑफ लेक्चर टूर शुरू किए हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट आस्पेक्ट्स जो एग्री फूड के हैं उनको डिस्कस करते हैं। हम अपने लोकल टैलेंट को इन्वाइट करते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं कि ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक या आने वाले हालात में जो मामलात हैं वो कैसे तब्दील होंगे और ये क्या क्या चीज़ें प्रोएक्टिवली हमें आज से प्लान करनी पड़ेंगी ताकि हम आने वाले हालात का मुकाबला कर सकें। ये एक अपॉर्चुनिटी भी है हमारे लिए कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को, टैलेंट को यूज़ करते हुए हम बहुत से दोस्तों को आपस में कनेक्ट करते हैं और इसी दौरान हम बातों बातों में, डिस्कशंस में अब एक दूसरे के एक्सपीरियंस से, एक दूसरे के नॉलेज से बहुत सी अच्छी चीज़ें जो सीख लेते हैं, क्योंकि सीखने का अमल एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और इसके अंदर दिन ब दिन रोज जिद्दतें आती हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जैसे कि हम तमाम लोग ये जानते हैं कि एग्री फूड या फूड की इम्पोर्टेंस ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसके साथ जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट, जहाँ जहाँ पे डिफरेंट इदारे फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहलू है वो फूड सेफ्टी का भी है। तो जब हम फूड सेफ्टी की बात करते हैं तो हम इस चीज़ को जो है इसको एलिब्रेट करना चाहते हैं कि ये फूड सेफ्टी की असलाह या टर्म है क्या। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए आज हमने मदद किया है डॉक्टर नासिर साहब को, जो कि एक बहुत ही मायनार साइंटिस्ट भी हैं और हर दिल अजीज पर्सनैलिटी हमारी भी हैं और आप तमाम देख कर सुनने वालों की भी हैं। और इन्होंने एकेडेमिया के साथ भी इनका रब्ता रहा, इन्होंने जो है प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर भी काम कर रहे हैं और फूड सेफ्टी के अंदर गायब गायब तमाम चीज़ों के ऊपर नज़र भी रखते हैं और एक्सपीरियंस भी है। और ये हमारे जो फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी है उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं और इस वक्त एक मल्टीनेशनल में एक अहम ओहदे पे भी फाइज हैं। मैं वेलकम करता हूं डॉक्टर नासिर साहब को। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम एंड कमिंग अप ऑन दिस स्पेशल टॉपिक। आई एम श्योर वी आर गोइंग टू लर्न अलॉट फ्रॉम यू। जस्ट टू किक ऑफ दिस थिंग, आई वाज थिंकिंग ऑफ कि हम क्या सवाल करें या क्या इसके ऊपर डिस्कशन करें। आई थिंक यू हैव सजेस्टेड इट राइटली दैट लेट्स प्रिपेयर इट एज एन इंटरेक्टिव सेशन सो दैट यू कैन आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जो कि आम हमारे जो घरों के लोग हैं, ये हमारे इर्द-गिर्द के लोग हैं, जिनके जहन में जो पहला सवाल फूड सेफ्टी का आता है तो वो क्या होता है। तो मैं जब फूड सेफ्टी के ऊपर देख रहा था तो ऑफकोर्स मेरे जहन में एक सवाल आया कि इज फूड सेफ्टी इज अ पब्लिक हेल्थ इशू। सो आई जस्ट स्टार्ट दिस हाउस विद दिस क्वेश्चन के इज फूड सेफ्टी इज अ पब्लिक हेल्थ इशू। एंड अगेन वेलकम टू डॉक्टर नासिर एंड ऑल द कोलीग्स हु हैव जॉइन अस। शहजाद भाई थैंक यू वेरी मच जी आपका इंट्रोडक्शन का जो है वो मैं बेसिकली जो है वो क्योंकि तालीम से भी ताल्लुक रहा और उसके बाद मैं एक इंडस्ट्री के साथ भी हूँ और उससे पहले जो है वो मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो फूड साइंस में है और उसमें भी आपको पता है कि फूड सेफ्टी के जो पाकिस्तान में प्रोग्राम थे जिनको हमने इंटरनेशनली क्रेडिट भी करवाया था यूके से, वो भी हमने यूएस के अंदर स्टार्ट किए थे। और उससे पहले मैं किसान का बेटा भी हूं तो हमने बचपन में जो है वो फूड सप्लाई चेन के साथ रहे भी हैं, फूड बनाते भी रहे हैं, उसको जो है मंडियों में बेचते भी रहे हैं समहाउ। सो इस बैकग्राउंड के साथ और अपार्ट फ्रॉम ये सोसाइटी के साथ जो है वो और ये कंपनी के साथ, आई आल्सो लुक आफ्टर द स्केलिंग ऑफ न्यूट्रिशन बिजनेस नेटवर्क इन पाकिस्तान और पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ फूड इंडस्ट्रीज जो है उसमें भी मुझे कोई वाइस चेयरमैन होने का वो है। तो जो हमारी आज की डिस्कशन होगी तो वो थोड़ा सा इंडस्ट्री, फार्मर और जो है वो रेगुलेटर मिक्स इसलिए भी होगा कि मुझे वो थोड़ा सा ये भी हासिल हुआ कि कुछ ये जो पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है इसकी एज ए कंसल्टेंट मैंने थोड़ा ड्राफ्ट भी किया था इसके, इससे पहले जो रेगुलेशन ड्राफ्टिंग में भी सिंध में भी और पंजाब के अंदर 2017 जो 2011 की रेगुलेशन थी वो मैं सेक्रेटरी था उस कमेटी का, तो वी ड्राफ्टेड दोज रेगुलेशंस। तो ये सारा जो है आज मिक्स कोशिश करेंगे कि आम फहम में जबान में लोगों के साथ जो है वो डिस्कस भी कर सकें और शेयर भी कर सकें। हैविंग सेड दिस, फूड सेफ्टी बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। फूड सेफ्टी इज जैसे कि FAO WHO कहता है, इट्स अ मैंडेटरी रेगुलेटरी एक्टिविटी टू एंश्योर व्हाटएवर रीचेज एट द कंज्यूमर डेस्क इज सेफ फॉर कंजम्पशन। जब हम सेफ फॉर कंजम्पशन कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी के ऊपर जो है वो कोई इम्पैक्ट क्रिएट ना कर सके। पहले जो है वो लिमिटेड था कि अगर कोई फूड पॉइजनिंग इंसिडेंस नहीं होता है या फूड बार इलनेस नहीं होती है तो उसी हद तक था, लेकिन मॉडर्न एरा के अंदर जो है वो शायद जो है वो डेफिनेशन की हद तक वहीं पे है,
लेकिन अंडरस्टैंडिंग की हद तक जो है ये डेफिनेशन चेंज हो चुकी हुई है, जो ये भी कहती है कि लॉन्गर टर्म के अंदर भी जो है इसको डिजीजेस काज नहीं करनी चाहिए और ये जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं वो भी काज नहीं करनी चाहिए। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे न्यू जो कंपोनेंट या इंग्रेडिएंट जो कि इमीडिएटली शायद फूड बॉर्न इलनेस या डिजीज काज ना कर सकें, लाइक ट्रांस फैटी एसिड, लॉन्गर टर्म में आपका जो है वो कोई लीवर कैंसर या जो है वो डैमेज काज करें तो उनको भी जो है वो फूड सेफ्टी के उसमें शामिल कर लिया गया है। सो पब्लिक हेल्थ कंसर्न, यस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ कंसर्न, बिकॉज जितनी भी ग्लोबल जो डिजीजेज हैं उनमें बात करें तो हम 65% जो 65 to 70% डिजीजेज फूड बॉर्न है, और उसमें जो जितनी भी इमर्जिंग डिजीजेज हैं उसमें भी 65-70% जो है वो फूड सोर्स से आ रही है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो है वो कितना बड़ा चैलेंज है और ये पब्लिक हेल्थ कंसर्न है। यस इट इज पब्लिक हेल्थ कंसर्न, और शायद जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा हेल्थ पब्लिक हेल्थ कंसर्न जो है वो फूड से लिंक्ड ही है। अगर अगर मैं इसको फर्दर थोड़ा सा एलैबोरेट करूँ तो WHO कहता है, जिसको जो बाद में वर्ल्ड बैंक ने भी वो किया, कहता है कि अराउंड 110 बिलियन US डॉलर जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो है वो हम जाये करते हैं फूड सेफ्टी की वजह से। इट इज नॉट अबाउट के फूड रिकॉज, इट इज ऑल्सो अबाउट कि उसकी वजह से जो हॉस्पिटलाइजेशन होती है, जो वर्क आवर्स जो है वो जाते हैं, और उसके बाद जो है सबसिक्वेंट दूसरी डिजीजेस को प्रोन हो जाते हैं फिर सारे को। इसी तरह से अमेरिका अलोन के अंदर जो है वो कोई 7 बिलियन US डॉलर हमारे यहाँ, क्योंकि डाटा उस तरह से मौजूद नहीं है तो हम शायद इफेक्टिवली ना बता सकें कि कितना लॉस करते होंगे हम पाकिस्तान के अंदर, लेकिन यस पब्लिक हेल्थ कंसर्न है और एक सीरियस कंसर्न है। शायद अगर मुझसे पूछेंगे तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पब्लिक हेल्थ कंसर्न जो है वो फूड सेफ्टी है। थैंक यू नासिर भाई, जैसे कि आपने बताया कि इट शुड बी अ मैंडेटरी एक्ट होना चाहिए, और हम जितने भी लोग इस वक्त मौजूद हैं जो हमें लोग सुन रहे हैं, ऑफकोर्स हम लोग एग्री बिजनेस प्रोफेशंस हैं, तो जब हम फूड सेफ्टी की बात करते हैं तो हम पूरी कंप्लीट सप्लाई चेन की बात करते हैं, जो कि हार्वेस्ट से ले के पोस्ट हार्वेस्ट तक जो है, और फिर उसकी जो स्टोरेज और फिर जब वो टेबल पर पहुँचती है तो वो तमाम पहलू उसके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या अगर लेट से हम अपने डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं जिनके अंदर हम लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, लेट से वो पोल्ट्री है, वो डेयरी है, या एक्वा है, तो इसके अंदर क्या हमारे पास इस वक्त कोई जो फूड सेफ्टी एक्ट मौजूद है जो जिसको हम एंडोर्स करवा सकें? देखिए जो पाकिस्तान के अंदर इफेक्टिवली जो कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना वो शायद पंजाब फूड था, उससे पहले PSQC से करता था बट मोर लाइक अ प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, और वो भी 90s में कुछ उसका एक बना था। PFA के आने के बाद एक प्रोविंशियल लेवल के ऊपर एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बना जिसका मैंडेट ये था कि जो है वो फूड सेफ्टी को देखें, और वो भी जो है वो 2016 तक जो है वो लाहौर तक महदूद रहा और सब्सिक्वेंटली दूसरे शहरों तक गया। यस ऑफ कोर्स ये जो है जो WHO और FAO के मुताबिक और जो ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक जो है ये मैंडेटरी रेगुलेटरी एक्टिविटी है। इसके बगैर जो है वो, क्योंकि हर रोजाना की बुनियाद के ऊपर तमाम लोग खाना खा रहे हैं मे बी 8-10 दफा, और ये उस जायकोड को माँ के पेट के थ्रू भी मिल रहा है जो कि पहले दिन का है, और उसको टिल डेथ जो है वो कुछ खा पी रहा है, तो डेली बेसिस के ऊपर उसका एक्सपोजर जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ सबसे बड़ा एक्सपोजर उसका फूड के जरिए ही है, क्योंकि बाकी जो है एक्सटर्नल स्किन पे एक दूसरा होता है, तो फूड के जरिए क्योंकि आप डायरेक्ट फूड बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं। तो इस वजह से ग्लोबल लेवल के ऊपर तो ये अथॉरिटीज हैं, ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो बन चुके हुए थे इवन इन 19th सेंचुरी। यहाँ के ऊपर जो है वो 2012 में एसेंशियली जो है वो एक सूबे के अंदर बना जो कि एक शहर तक महदूद रहा, 2016 के अंदर गया। नाउ अगर आप इस टाइम के ऊपर बात करें, एक और चैलेंज आ गया हुआ है, वो चैलेंज ये है कि देयर इज अ फेडरल अथॉरिटी नेम पे पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, और उसके बाद जो है वो प्रोविंशियल अथॉरिटीज जो है एसेंशियली इस टाइम पे अगर हम बात करें तो पंजाब में भी है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है, KPK में भी है, AJK और गिलगित बल्तिस्तान में भी तकरीबन फंक्शनल ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो सो तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स के अंदर जो इस्लामाबाद की टेरिटरी है वहाँ के ऊपर अभी जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ही देख रही है, लेकिन वहाँ के ऊपर भी एक्ट ऑलमोस्ट तैयार है। सो उसके नतीजे में हुआ ये कि ये जो ग्लोबल लेवल के ऊपर एक्ट है होना चाहिए, यस है, और उसका प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल यही कहता है कि आपने जो है वो लोगों को प्रोटेक्ट करना है उनकी हेल्थ को, और होलसम जो फूड है उसकी प्रोविजन को इंश्योर करना है। लेकिन इस टाइम के ऊपर एक जो
इमीजिएटली एक एक्स्ट्रा चैलेंज आया है, वो चैलेंज ये आया है कि ये जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज थी और इनके आपस में भी इन्होंने अपने जब साइंटिफिक पैनल्स बनाए, आपको पता है कि साइंटिफिक जब डोमेन में जाते हैं तो ये ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल नहीं होता है। अब तो उसके अंदर जो है वो थोड़ी बहुत रेगुलेशन के अंदर डिफरेंस आना शुरू हुआ जो है वो डिफरेंट प्रोविंसेस के, जिसके नतीजे के अंदर जो है वो मेनली क्वालिटी एस्पेक्ट के ऊपर है, सेफ्टी के ऊपर उस तरह से नहीं है। लेकिन समहाउ जो है जो इमीडिएट अभी चैलेंज आया वो ये आया कि बहुत ज्यादा ओवर वर्किंग हो गई और जो एक जो जिसको एफएओ की गाइडलाइंस कहती हैं कि आपको एक इंटेग्रेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए, उन्होंने स्टडी की ग्लोबली जो है वो आज के दिन में दुनिया, पूरी दुनिया जो है एक नतीजे पे पहुंच चुकी है, ना आपको यूनिटरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सूट करता है ना आपको पैरेलल मैंडेट के साथ सूट करता है। आज के दिन में इंटेग्रेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वही सक्सेसफुल है पूरी दुनिया के अंदर, जिसके अंदर जो है तमाम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो भी अभी सीसीआई के थ्रू हो गया है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के तहत के जो है शायद जो है स्टैंडर्ड सूबों की मदद से फेडरल लेवल पे हो रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन भी वहीं पे हो रही होगी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट प्रोविंशियल लेवल पे हो रही होगी। तो अगर इस टाइम पे कहेंगे जो है वो यस एक्ट मौजूद है, बट जो है वो मेरे ख्याल में ये अगले कुछ अरसे में रीशेप होंगे ताकि जो है वो इंटेग्रेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो जहाँ के ऊपर जो है वो स्टैंडर्ड सेम हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन का जो है वो मैकेनिज्म भी सेम हो, लेकिन जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो हैं प्रोविंसेस के अंदर वो इम्प्लीमेंटेशन का काम कर रही हूँ और पॉलिसी मेकिंग या स्ट्रेटजी मेकिंग या रेगुलेशन और स्टैंडर्ड मेकिंग जो है फेडरल लेवल पे हो रहा हो। तो यस इस टाइम पे मौजूद है। आई थिंक अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम इंटीग्रेशन चाहिए, ख्वाह वो प्रोविंशियल लेवल पे हो या फेडरल लेवल पे हो, तो हर हर स्टेक के ऊपर हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए, उसको मेक श्योर करना चाहिए। ऑफकोर्स things are in place but we have to make them running. अच्छा सर, यहाँ पे अगर दो मिनट के लिए हम बिल्कुल आम सादा अल्फाज में अगर इस्तेमाल करें और उस चीज में अपने देखने और सुनने वाले उन लोगों को बताएं कि जो इस प्रोफेशन से नहीं है, जो सिर्फ कंज्यूमर एंड है, तो अगर हम यहाँ से आपसे ये पूछें कि फूड सेफ्टी और फूड क्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है? देखिए नॉर्मली जो है वो इंटरमीडिएट ये यूज होती हैं, टर्म्स तीन यूज होती हैं, फूड सेफ्टी, फूड क्वालिटी और फिर फूड सिक्योरिटी भी आजकल बहुत ज्यादा यूज होना शुरू हुआ हुआ है। फूड क्वालिटी इज डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमर कि जो चीज मुझे सूट करती है, जो मेरी जो फिट फॉर द पर्पस है, जो है अगर मैं मिसाल के तौर पर मुझे एक सस्ता फूड चाहिए और मुझे वो सस्ता फूड मिल जाता है तो वो मेरे लिए फूड बेहतरीन क्वालिटी है क्योंकि मैं 5 रुपए लेके गया उसके। अगर मैं जा रहा हूँ और मुझे जो है वो एक फूड चाहिए जो 500 रुपए किलो वो जो है वो एक्सपेंसिव हो और मुझे वो मिल जाता है तो मेरे लिए, तो फूड क्वालिटी जो है वो कंज्यूमर के ऊपर बेस कर रहा है और वो जो है वो फिट फॉर द पर्पस है और वो उसका जो है वो उसका एक एस्पेक्ट हो सकता है वो फूड सेफ्टी हो। फूड सेफ्टी ये है कि वो जो फूड जो जब कंज्यूमर खाए तो उसको कोई नुकसान ना हो, उसकी सेहत को उसमें कोई टॉक्सिन्स ना हो, उसके अंदर अनवांटेड कंटेमिनेंट्स एडल्ट्रेंट्स या वो ना हो और वो होलसम हो और वो जो सेहत को नुकसान ना पहुंचाए। सो अगर हमें इसको दूसरे एंगल पे बताऊं कि अगर मिल्क है मिसाल के तौर पर, उसके अंदर स्टैंडर्ड है कि इसमें मिनिमम जो है वो 8.5% सॉलिड नॉट फैट होने चाहिए, टोटल सॉलिड इसमें 12% से कम नहीं होने चाहिए, तो अगर वो 12% की बजाय 11.5% है तो ये फूड क्वालिटी का मसला है। मे बी जो रेगुलेटर इसको इस तरह से देखे, लेकिन ये अनसेफ नहीं है, इसको कंज्यूम करने से कोई डिजीज नहीं होगी। लेकिन अगर वही मिल्क है उसमें 12% सॉलिड मौजूद है लेकिन उसके अंदर अफ्लाटॉक्सिन जो है वो 0.5 पार्ट्स पर बिलियन से ज्यादा है जो कि सेफ्टी लिमिट है, तो इसका मतलब है ये सेफ अनसेफ है। तो क्वालिटी में ये होता है कि क्वालिटी नेगोशिएबल होती है, क्वालिटी की बुनियाद के ऊपर रिकॉल्स नहीं होती है और क्वालिटी की बुनियाद के ऊपर जो है वो मे बी वार्निंग दी जाती है, नोटिस दिए जाते हैं, जुर्माना किया जाता है कि आप कंज्यूमर को लोअर कंटेंट क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि सेफ्टी की बुनियाद के ऊपर ये निगोशिएबल नहीं होती है, ये इसकी बुनियाद के इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो सकती। वंस इफ द फूड इज अनसेफ इट हैज टू बी विथड्रॉन फ्रॉम द मार्केट, इट हैज टू बी रिकॉल्ड, और इसके ऊपर जो है वो भी अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी चाहे भी मैं इसको छोड़ दूं तो नहीं छोड़ सकती क्योंकि लॉ पूरी दुनिया के अंदर एथिक्स और लॉ अलाउ नहीं करता कि अगर भी प्रोडक्ट अनसेफ है वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और फूड सिक्योरिटी जो है वो नॉर्मली इट इज द अवेलेबिलिटी, इकोनॉमिक एज वेल एज द फिजिकल अवेलेबिलिटी अक्रॉस थ्रू आउट द ईयर एज पर रिक्वायरमेंट्स, एज पर नीड्स, और इट शुड बी सेफ होलसम एंड जो है वो न्यूट्रिशियस। तो
फूड सिक्योरिटी को मोर लाइक अवेलेबिलिटी की टर्म्स में पाकिस्तान में लिया जाता है, बट इट इज आल्सो अवेलेबिलिटी, इट इज आल्सो एक्सेसिबिलिटी, एंड इट इज आल्सो यू नो कंसिस्टेंट अवेलेबिलिटी एंड यू नो थ्रू आउट द ईयर. तो फूड सिक्योरिटी जो है वो शायद दूसरी टर्म में यूज होती है. अच्छा, इसमें नासिर भाई एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू आता है कि ऑफ कोर्स जैसे फूड एक बेसिक राइट है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, उसी तरह फूड सेफ्टी का भी उतनी इंपॉर्टेंस है. तो फॉर एग्जांपल जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो पैक फॉर्म में है या अगर लूज फॉर्म में है, तो क्या एक जनरल जो कंज्यूमर है उसका राइट बनता है कि वो उस फूड को उठा के उसके सेफ्टी पैरामीटर्स देखे कि क्या ये उन सेफ्टी पैरामीटर्स को मीट करता है कि नहीं करता? देखिए मैं एंड यूजर हूँ, कंज्यूमर ही इसके अंदर जो है वो जो लाभ बनाया जाता है वो भी इंडस्ट्री के लिए नहीं होता, वो रेगुलेटरी बॉडी बनाने के लिए नहीं होता, वो भी कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए होता है. तो कंज्यूमर ही इसके अंदर की फिगर ही कंज्यूमर है. तो जिस चीज जिसके लिए बनाई जा रही है उसका ये राइट कि ये चीज सेफ हो, वो ना सिर्फ पूछ सकता है बल्कि जो है वो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी कर सकता है, वो कंप्लेंट भी लॉन्च कर सकता है. वो प्रोडक्ट को पाकिस्तानी लॉ ये कहता है कि अगर आप एज ए कंज्यूमर, क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटीज मौजूद हैं वो इंश्योर कर रही हैं फूड सेफ्टी को, इंडस्ट्री की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सिस्टम से आ रहा है, तो अगर अगर कंज्यूमर समझता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो अनसेफ है, उस पोटेंशियली वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के जरिए जो है वो उसको टेस्ट करवा सकता है, जो उसको रिक्वेस्ट कर सकता है, या फिर वो सैंपल परचेज करके उसके बुनियाद के ऊपर कर सकता है. कंज्यूमर का बिल्कुल राइट मौजूद है जी, पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है कि अगर अगर मैं एंड यूजर हूँ किसी चीज का, तो मेरा ही ये राइट है कि मैं जो जो चीज मुझ तक पहुंच रही है वो सेफ हो. और इसकी देखिए एक चीज समझ लेनी चाहिए, फूड सेफ्टी जो है वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसमें हर एक बंदे का अपना अपना रोल मौजूद है, लेकिन सजा किसको दी जाती है? प्रोसेसर को. अगर फूड सेफ्टी अगर भी ब्रीच निकल आ जाती है तो किसको जाके बंद किया जाएगा, किसको किसके खिलाफ मुकदमा किया जाएगा? वो प्रोसेसर को, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी है कि कंज्यूमर डेस्क तक उसको सेफ फूड को जो है वो पहुंचाए, सप्लाई चेन को भी वही देखे कि कोई इंग्रेडिएंट जो आ रहा है तो वो अनसेफ तो नहीं है, ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसके बाद पैक करने के बाद जब वो मार्केट में लेके जाता है तो मार्केट के अंदर किस तरह से जाएगा उसको भी इंश्योर करें कि वो जो सप्लाई चेन वहां पे मौजूद है वो इस तरह की सप्लाई चेन मौजूद हो कि एंड के ऊपर जो वहां से प्रोडक्ट निकलता है वो सेफ हो. हैविंग सेड दिस, रेगुलेटर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अप्रोप्रिएट चेक्स इन प्लेस करे, रिस्क बेस्ड असेसमेंट करे और उसकी बुनियाद के ऊपर कंसिस्टेंटली सप्लाई चेन्स को इवेलुएट करे कि जो सप्लाईज जो है वो सेफ है कि नहीं है. और उसके बाद जो है जो कन्फर्म और इम्प्लीमेंटेशन रोल है, और कन्फॉर्मेंस असेसमेंट जो है वो ग्लोबली जो है वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी कर रही होती है, वो इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी नहीं कर रही होती. मिसाल के तौर पर फूड अथॉरिटी है तो फूड अथॉरिटी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कर रही होती है, उसकी जो सप्लाईज के अंदर जो है वो चेक्स एंड बैलेंसेज को इंट्रोड्यूस करवा रही होती है. और कन्फॉर्मेंस क्या उसकी उस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट, उस लॉ के अगेंस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, ये इंडिपेंडेंट जो है वो लैब्स कर रही होती है, जो कि बुनियादी तौर के ऊपर मार्केट सैंपलिंग कर रही होती है, उसके अगेंस्ट टेस्टिंग कर रही होती है और उसकी रिपोर्ट जनरेट कर रही होती है, बुनियादी तौर के ऊपर दोनों को इवेलुएट कर रहा होता है कि इंडस्ट्री की कहाँ पे खड़ी है और रेगुलेटरी अथॉरिटी कितनी अच्छी फंक्शनिंग कर रही है, जिसके नतीजे के अंदर जो प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स है, अकॉर्डिंग टू लेबलिंग है और अकॉर्डिंग टू सेफ्टी पैरामीटर्स है. अच्छा नासिर भाई, हमने देखा कि जैसे कि आपने बताया कि ऑफकोर्स पूरी सप्लाई चेन का रिव्यू बहुत जरूरी है और इसके अंदर हमें ये देखना चाहिए कि कहाँ से क्या क्या इनपुट्स आ रहे हैं और वो इनपुट प्रोसेस कैसे हो रहे हैं और उनकी तमाम की फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स या उनकी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मीट करते हैं कि नहीं करते. जब हम एक टर्म ट्रेसिबिलिटी की बात सुनते हैं या देखते हैं, और आपने देखा होगा कि इस वक्त पाकिस्तान में भी हम ट्रेसिबिलिटी की बात करते आ रहे हैं, तो क्या जब हम इन 4 F's को इंश्योर करते हैं कि जिसके अंदर हमारी फील्ड है, हमारी फीड है, फार्म है और फिर हमारा फूड है, तो क्या हमने हर एलिमेंट के लिए क्या ऐसे प्रोटोकॉल्स या SOPs ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं? क्योंकि जब तक हम ये हर डिपार्टमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तो एट द एंड ऑफ द डे जो नेट फाइनल प्रोडक्ट है वो कभी भी इंश्योर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बड़े मल्टीपल फैक्टर हैं. तो क्या हर सेगमेंट के लिए हमने ऐसे कोई लॉज या पैरामीटर्स ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं? देखिए शहजाद भाई, जो अभी तक हमने बातें की हैं ये ग्लोबल बातें की हैं, अब हम पाकिस्तान पे आ जाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड रियलिटी क्या है. आपको पता है कि एक तो हम इन्फेंसी स्टेज में हैं, एक जो है वो मे बी स्ट्रक्चरल लेवल के ऊपर क्या रिफॉर्म किस किस्म का जो है वो इंस्टीट्यूशन होगा जो कि और किस किस्म का फ्रेमवर्क होगा, उसमें कौन क्या रोल प्ले कर रहा होगा,
वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो ऑफ कोर्स जो है उसमें करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं थी कि किस तरह से आपने जो है वो, आज भी अगर आप मुझसे कहें कि क्या जो जो फील्ड के अंदर जो है जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को इवेल्युएट करता है तो क्या वो रिस्क बेस असेसमेंट है, शायद जो है मैं रिलेक्टेड हुआ उसका जवाब देने में शायद मुश्किल हो जाए कि मतलब वो रिस्क बेस्ड है। दूसरा, जब रिस्क बेस्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब यही है कि आपको जो है वो अक्रॉस सप्लाई चेन, अगर आपने दूध अफ्लाटॉक्सिन वाला प्रोड्यूस कर लिया जो उसकी फीड के अंदर अफ्लाटॉक्सिन मौजूद था, अब पूरी सप्लाई चेन में इसको सेफ नहीं किया जा सकता। सो इसका अच्छा, ये यहाँ पे प्रोड्यूस सेफ हो गया अगर हैंडलिंग के दौरान आपने टेम्परेचर ब्रीच कर दी और उसके नतीजे के अंदर जब प्रोसेसिंग से पहले उसका माइक्रोबियल लोड इतना ज्यादा बढ़ गया कि, क्योंकि आपको पता है मिल्क के अंदर जो है नॉट ओनली पैथोजेंस हैं बट आल्सो टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग पैथोजेंस भी हैं, तो टॉक्सिन जो प्रोड्यूस होंगे वो तो कहीं नहीं जाएंगे, या एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट्स अगर उसमें आ जाते हैं वो लूज फॉर्म में है तो अब ये इसको भी खत्म नहीं किया जा सकता। अगर आगे चले जाएं प्रोसेसिंग हो गई, ठीक हो गया, यहां तक भी हो गया, अगर वो पेस्चराइज फॉर्म के अंदर है और वो जहां पे रेफ्रिजरेटर में पड़ा हुआ था वहां पे लाइट नहीं मौजूद है और वो जो टेम्परेचर ब्रिज 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, सो इसी तरह आपने कंज्यूमर घर लेके आ गया, अपने घर का फ्रिज उसका बंद है, बिजली चली जाती है, या वो खोलने के बाद उसको ऐसे ग्लास में डाल देता है जिसके जो कि सही धुला हुआ नहीं है या जिसके अंदर कंटेमिनेशन, तो इसका मतलब यही है कि अक्रॉस जो है वो थ्रू आउट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्शन टिल कंजम्पशन है। तो अगर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है ना वो कंज्यूमर का है। कंज्यूमर जब तक सेफ फूड डिमांड नहीं करेगा और जब तक वो सेफ्टी के अगेंस्ट कुछ पेमेंट नहीं करेगा और अनसेफ फूड को रिजेक्ट नहीं करेगा तो ये सिस्टम जो है वो शायद उस तरह से फंक्शनल नहीं हो सके। और जो कंज्यूमर जब ये करता है तो वो अवेयरनेस की बुनियाद पे करता है, इन्फॉर्म डिसीजन की बुनियाद पे करता है, एजुकेशन की बुनियाद पे करता है या जिस जो है। सो मुझसे अगर पूछेंगे तो सारे प्लेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट है बट जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें सप्लाई चेन को रीओरिएंटेशन करने के लिए और उसकी एसओपीज को जो है वो दोबारा से ठीक करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होगा वो शायद कंज्यूमर का होगा। मैं एक बार हनीफ नजीर साहब आपके ही प्रोग्राम के अंदर जो है वो डिस्कस कर रहे थे और वो कह रहे थे कि शायद हम आज भी कंज्यूमर को चाहते हैं कि ये चीजें जो है जो हम बेचना चाह रहे हैं वो ले, कंज्यूमर की नहीं बात सुनते, या तो कंज्यूमर की बात सुने या फिर कंज्यूमर को इतना वेल इन्फॉर्म करते हैं कि वो डिमांड वो जो चीज आप उसको बेचना चाह रहे हैं वही डिमांड करे। अगर आप उसको फूड बेचना चाह रहे हैं, फूड सेफ्टी बेचना चाह रहे हैं, फूड सेफ्टी उसके लिए इंपॉर्टेंट करना चाह रहे हैं, शायद वो अवेयरनेस और एजुकेशन और उसके ऊपर जो है बड़ा रोल है और उसके अंदर भी फिर किसकी कौन है इसको करेगा। तो मुझे बाहर ये लगता है कि साइंटिफिक कम्युनिटी का भी बड़ा रोल है, टेक्निकल प्रोफेशनल्स का भी बड़ा रोल है और सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो शायद फूड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में जो अथॉरिटीज काम कर रही हैं उनका है। बिकॉज अगर वो इसको कहेंगी, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, दूध जो है वो आपको पता है कि ग्लोबली आप भी गए होंगे, शायद पाकिस्तान कुछ इंडिया में भी थोड़ा सा फ्रैक्शन है, कुछ एक दो मुल्कों में होगा, लेकिन 95%+ दुनिया के अंदर वो प्रोसेस और पैकेज होता है, क्योंकि दूध को जो है वो उसकी सप्लाई चेन को आप लूज सप्लाई चेन को सेफ्टी इंश्योर नहीं कर सकते और उसका सिंपल सा रूल है और जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अल्टीमेटली जो है मैंडेटरी पैस्चराइजेशन लॉ भी आ गए हुए हैं और उसके बाद जो है पंजाब फूड अथॉरिटी ने भी बैक इन जो है वो 2013-14 में, मैं यूएस में तब था, मैं उस कमेटी का कन्वीनर था जो कि इस पे पैस्चराइजेशन लॉ पे काम कर रही थी, सब्सिक्वेंटली उसको पंजाब फूड अथॉरिटी ने पास किया अपने रेगुलेशन के अंदर और जो है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज भी अगर आप कहेंगे कि कल ये आप इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे तो नहीं कर सकेंगे, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन पैरामीटर ये होगा कि आप जिस कंज्यूमर को के लिए वो सेफ्टी को इंश्योर करने की बात कर रहे हैं, क्या उस कंज्यूमर को आपने इतना अवेयर कर दिया है कि उसको बता दिया है कि ये चीज जो है जिसको आप फ्रेश समझते हैं या जिसको आप सेफ समझते हैं पोटेंशियली अनसेफ है, और ये सेफ्टी के रीजन की वजह से आपने बैन किया है और बैन 2022 में होगा, इस वजह से नहीं कि 2022 के बाद ही अनसेफ हो जाएगा, अनसेफ आज भी है। 2022 हमने इसको टाइम दिया है ताकि इंडस्ट्री इसके मुताबिक जो है वो अपना पूरा जो सेक्टर है इसके मुताबिक आपको रीओरियंट कर सके और नेसेसरी अरेंजमेंट कर सके। तो मुझसे अगर पूछेंगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बट कंज्यूमर एजुकेशन का, और कंज्यूमर एजुकेशन या अवेयरनेस में टेक्निकल और प्रोफेशनल लोगों के साथ साथ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज का है। जब तक वो लोगों को नहीं बताएंगे कि कौन सी चीज जो है वो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही है, कौन सी पहुंचा सकती है, किस किस्म के प्रोसेसेस और किस किस्म की प्रोडक्ट्स जो है वो आपको कंज्यूम करनी चाहिए जो कि सेफ सप्लाईज को इंश्योर कर सकें, तब तक जो है मुझे लगता है कि थोड़ा सा फूड सेफ्टी उस तरह से
इम्प्रूव ना हो सके। आई थिंक अगेन बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ ये इस चीज़ की बड़ी अहम ज़रूरत है कि हमें ऐसा भी कम्युनिकेशन सेंटर बनाना चाहिए जो कि आवाम जो आम आवाम है उसकी अवेयरनेस के लिए काम करे। जैसे कि आपने बताया कि हमें हमारा जो प्रोज्यूमर है उसको भी अपनी डिक्टेशन देनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ द फूड सेफ्टी। अच्छा सर, जब हम स्पेशली एग्री फूड की बात करते हैं जिसके अंदर हमारा एग्रीकल्चर भी है, हमारा लाइफ स्टॉक, डेयरी, बीफ, एक्वा, सारी चीज़ें, तो हमने ये देखा कि पिछले कई सालों से, एटलीस्ट मेरे 17 साल के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में मैंने ये चीज़ नोट की है कि हम चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम बाज़ दफ़ा उनकी प्रोडक्शन इन टर्म्स मास स्केल पे कर लेते हैं, लेकिन जब हम उनको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेशन की तरफ जाते हैं तो बड़ा चैलेंज आता है हमें सर्टिफिकेशन का, ठीक है। और उन सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि आपके रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स भी हैं, जिसके अंदर आपके एंटीबायोटिक्स भी हैं, आपके अंदर हैवी मेटल्स भी हैं, तो ये वो तमाम चीजें अगर लेट से हमें मालूम है कि ग्लोबली ये पैरामीटर्स फॉलो किए जा रहे हैं तो क्या हम अपनी लोकल प्रोडक्शन में इन चीजों को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते? देखिए जी, सेफ्टी जो है वो जो साइंस ऑफ सेफ्टी है वो ग्लोबली एक ही है। जो है वो ऐसा नहीं होता कि अगर हैवी मेटल जो है वो एक खास हद से ज्यादा जो है वो पाकिस्तान में सेफ है तो अमेरिका में अनसेफ हो जाती है। प्रॉबेबली जो है ह्यूमन स्पीशी एक है, जेनेटिक्स ओवरऑल जो है वो जो उसको उसके मुताबिक ह्यूमंस की एक है। सो फूड सेफ्टी के अगर कहें तो ग्लोबली जो जैसे कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ने जो है मुख्तलिफ कमेटीज बना के वहाँ के ऊपर मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट्स ऑफ जो है टॉक्सिन्स भी हैं वहाँ के ऊपर, पेस्टिसाइड रेजिड्यूज भी हैं, एंटीबायोटिक रेजिड्यूज भी हैं, बाकी भी हैं, सारा कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये आपने दुखती नब्ज पे हाथ रख दिया है। मसला ये है कि जब हम एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं ना, कुछ अरसा पहले तक जो है वो ये होता था कि जो पाकिस्तान में जो चावल अफला टॉक्सिन जो हैवी मेटल्स को मीट कर गया वो एक्सपोर्ट हो गया, जो बाकी रह गया वो हमने खाना है। अच्छा, इसी तरह से क्योंकि आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उतना स्ट्रांग नहीं था तो जो दुनिया में रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसको नहीं डिटेक्ट कर पा रहा तो इस वजह से वो आपके मुल्क में आ गया। सो आपका सेफ फूड बाहर चला गया, बाहर का अनसेफ भी आ गया और आपका अनसेफ भी यहाँ पे रह गया। सो एज ए कंज्यूमर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है वो इसको सेफ्टी को इंश्योर कर सके। आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये पूरी सप्लाई चेन का मसला है और हमें जो है वो सप्लाई चेन के ऊपर जो है जब हम अपर लिमिट्स स्पेसिफाई करते हैं उससे काम नहीं होगा। सिर्फ अब मिसाल के तौर पर आपने अफला टॉक्सिन की लिमिट सेट कर दी, लेकिन अफला टॉक्सिन की जब आपने लिमिट सेट की तो आपने क्या नीचे जो है वो शायद रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सेट कर दी, उसको नीचे इंश्योर किसने करना है? शायद वो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की ड्यूटी होगी कि वो फीड को इंश्योर करे क्योंकि फीड से वो आ रहा है, तो फीड को इंश्योर करने के लिए या पीछे उसकी रेगुलेशन करने के लिए या दूसरा। तो ये जो कंटेमिनेंट्स हैं, एडल्ट्रेशन तो आपको पता है डेलिब्रेट होती है, वो प्रॉफिट करने का कमाने के लिए होती है, क्वालिटी को मास्क करने के लिए होती है या डिफरेंट इंटेंशन की वजह से होती है, बट कंटेमिनेशन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो कंटेमिनेशन डेलिब्रेट नहीं होती है। कंटेमिनेशन आपकी सप्लाई से एंटर हो रही होती है, प्रोसेसिंग के दौरान एंटर हो रही होती है, आपकी पैकेजिंग से आ सकती है अगर वो सेफ पैकेजिंग नहीं है, अगर प्रोडक्शन से आ सकती है, उसकी हैंडलिंग से आ सकती है, स्टोरेज से आ सकती है, हर जगह से हो सकती है कंटेमिनेशन। वो कंटेमिनेशन में पैरामीटर स्पेसिफाई करना भी इतना वो नहीं है, वो दुनिया में ऑलरेडी मौजूद है। मसला ये है कि उन पैरामीटर्स को अचीव करने के लिए आपको कौन से 10 काम या 8 काम या 6 काम करने हैं और उनकी किस तरह से मॉनिटरिंग करनी है, टेस्टिंग करनी है, इवेल्यूएशन करनी है, जो कि इस चीज को इंश्योर करे कि जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास आएगा वो सेफ होगा। ग्लोबली जो है वो ये कहा जाता है कि दिस इज नॉट द फन कि आप जो है वो एक प्रोडक्ट को अनसेफ प्रोड्यूस कर लें और इतनी ज्यादा मेहनत करें, उसके सन की एनर्जी यूज करें, अपनी लैंड रिसोर्सेज यूज करें, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज यूज करें, ह्यूमन रिसोर्सेज यूज करें, अपनी सप्लाई चेन को यूज करें और एट द एंड ऑफ द डे जो है वो प्रोडक्ट अनसेफ हो जाए और आप कंज्यूम ना कर सकें, उसको डिस्कार्ड करके ऊपर एनवायरमेंट के ऊपर फर्दर बर्डन डालें। सो बुनियादी तौर के ऊपर आपने बिल्कुल सही कहा, सिस्टम बेस्ड अप्रोच और जो है वो उसकी सप्लाई चेन बेस्ड अप्रोच, और वो सप्लाई चेन और सिस्टम बेस्ड अप्रोच जो है वो यही इन्हीं हैसप, ये जो फूड सेफ्टी के सिस्टम्स हैं वहीं से आती है। अगर आप हैसप इंप्लीमेंट कर देते हैं, अगर आप जो है वो फूड सेफ्टी के अगर जो सिस्टम्स मौजूद हैं इंक्लूडिंग FSSC और बाकी जो है PRC, अगर उनको इंप्लीमेंट कर देते हैं और इसी तरह से जो आप सप्लाई चेन के अंदर जो नेसेसरी यार्ड स्टिक्स हैं जो कि दुनिया ने ऑलरेडी डिफाइन करती हुई है उनको अप्लाई करते हैं, तो फिर आप प्रोडक्ट को सेफ प्रोड्यूस कर सकेंगे, सेफ हैंडल कर सकेंगे और सेफ कंज्यूमर तक पहुंचा सकेंगे। अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप सिर्फ रेगुलेशन बना दें और एंड प्रोडक्ट को टेस्टिंग कर दें और एंड प्रोडक्ट को टेस्ट करके आप डिस्कार्ड करते रहें, ये सोल्यूशन नहीं है।
सोल्यूशन ये है कि आपकी प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन, हैंडलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और कंज्यूमर तक जो कन्वेंस है वो सेफ तरीके से होनी चाहिए, और अल्टीमेटली उसको कंज्यूमर को भी ठीक तरीके से करना चाहिए, खाना चाहिए। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि ना सिर्फ हमारा अच्छा फूड बाहर जा रहा है और वहां से बाहर का जो आप कह लें कि रिजेक्टेड माल है वो हमारे पास भी आ रहा है और हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा सर, मैं एक आध सवाल और करूंगा, उसके बाद अपने जो लोग हमारे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना हैंड रेज करें ताकि हम उनको भी डिस्कशन का हिस्सा बनाएं, ताकि वी वॉन्ट टू हैव एन इंटरेक्टिव डिस्कशन और इससे मैक्सिमम हम एक दूसरे से सीखें और ऑफ कोर्स डॉक्टर नासिर के एक्सपीरियंस से हम आज फायदा उठाएं। अभी मैं सर देख रहा था कि जो इस वक्त जो जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको अर्ज किया जा रहा है कि वो जो फूड एसेंशियल्स के ऊपर जो कोरोना वायरस की जो इम्पैक्ट है उसकी डिटेक्शन पे काम करें। डू यू थिंक दिस इज अनदर एरिया ऑफ इम्पोर्टेंस जहाँ पे पाकिस्तान में कोई काम शुरू होगा, या आपकी सोसाइटी इसके ऊपर देख रही है, कोई इसको इसको रिव्यू में लेके आ रहे हैं? बड़ा ज़रूरी है शहजाद, जो है वो पोस्ट पेंडेमिक, और अभी तो पेंडेमिक है, चल रही है, और अभी तक तो ये जो असेसमेंट्स हैं वो ये शायद ये दिस ईयर एंड अनदर ईयर जो है वो उसके, तो पेंडेमिक की वजह से जो सोशल, अगरचे ये फूड सेफ्टी का इशू नहीं है और नाइदर इट इज़ के पैकेजिंग और जो सर्विसेज हैं आज के दिन में तक जो है वो जो हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है उसमें एक भी ऐसी जो जिसको एस्टेब्लिश किया गया हो, एक भी ऐसी जो है वो पर्सन ऐसा मौजूद दुनिया में नहीं है जिसके जरिए कोरोना वायरस जो है वो फूड सर्विसेज पैकेजिंग या उसके फूड की वजह से ट्रांसफर हुआ हो, सो इस वजह से फूड सेफ्टी का तो इशू नहीं है। लेकिन इसकी वजह से जो जो मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, मिसाल के तौर पर प्रोडक्शन हाल के अंदर अगर 5 लोग इकट्ठे होकर के काम कर रहे थे तो आप इकट्ठे होकर नहीं कर सकते, तो जो वहां के ऊपर अगर आपकी सप्लाई चेन के अंदर जो है वो 2 लोगों का एक जगह पर इकट्ठा मौजूद होना जरूरी था, तो अगर वो मौजूद नहीं हो सक रहे तो उसकी वजह से, तो इसके नतीजे में जो मेजर्स लिए गए हैं, शायद बहुत सारी इंडस्ट्री 8 घंटे से 12 घंटे पे चली गई हो, वर्क आवर्स पे चली गई हो, बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो उन्होंने अपनी सप्लाई चेन को चेंज किया हो, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड में बड़ा मसला हुआ है, तो बहुत सारे लोगों ने हो सकता है अपने इंग्रेडिएंट्स को चेंज किया हो, एक कंपनी से ले रहे थे दूसरी पे शिफ्ट हुए हूँ, हो सकता है उसी कंपनी ने किसी और प्रोसेसिंग फैसिलिटी से, हो सकता है सिंगापुर से फ्लाइट बंद हो गई, मे बी दुबई से आना शुरू हो गया और दुबई में प्रोसेसिंग फैक्ट्री उसी की है, तो हो सकता है वहां के ऊपर जो इंग्रेडिएंट प्रोसेस हो रहा था वहां पे एलर्जन नहीं थे, वहां पे प्रोसेस नहीं हो रहे थे, तो यहाँ के ऊपर हो सकता है उसी प्रोसेस में एलर्जन भी प्रोसेस हो रहे हूँ, इंग्रेडिएंट भी सेम है, कंपनी भी सेम है, जो है इसके बावजूद जो है वो एक इश्यू आ सकता है। तो ये जो ग्लोबल ट्रेड के नतीजे में हुआ है, और ऐसी 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 इंडस्ट्री जो कि हैविली डिपेंडेंट थी ग्लोबल ट्रेड की वजह से, इंपोर्ट्स के हवाले से, इंग्रेडिएंट्स के हवाले से, वहां के ऊपर एक इशू जो इसके नतीजे में और सोशल डिस्टेंसिंग के नतीजे में और वर्क आवर लंबे होने के नतीजे में, और अगर एक मिसाल के तौर पर अगर आपको जो है वो एक कोविड पर्सन पॉजिटिव नजर आता है एक शिफ्ट में, तो हो सकता है कि आपको पूरी शिफ्ट को उठा के क्वारंटाइन करना पड़े, तो अब इसके बैकअप में जो लोग आएंगे हो सकता है वो नॉन क्वालिफाइड हो, वो ट्रेंड ना हो, वो सेफ्टी वो उनको उनको बेसिक वो बेंचमार्क्स और वो टच पॉइंट्स का पता ना हो, सीसीटीज का पता ना हो, तो उसकी तो ट्रेनिंग तो उसके इसके नतीजे में जो कोविड के नतीजे में जो मेजर्स लिए गए हैं उसकी वजह से हो सकता है कि फूड सेफ्टी के इश्यूज क्रिएट हों और हो भी सकते हैं, अगरचे जो जो रिसेंट स्टडीज हैं या रिसर्च है वो थोड़ी सी ये बताती है कि बहुत सारे मुल्कों में जहाँ के ऊपर उन्होंने मेजर किया है फूड सेफ्टी इंसिडेंट्स कम हुए हैं, वो शायद इस वजह से कि शायद बहुत सारी फूड जो सर्विस के एरिया में खासतौर पर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री वो बंद है, शायद ग्लोबल ट्रेड बहुत कम है, इंटरनेशनल ट्रेवलिंग कम हुई हुई है जिसके नतीजे में पर्सन भी बहुत ज्यादा जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में डिजीज लेके जा रहे होते हैं, तो इसी तरह से जो फूड जो सस्ती किसी मुल्क में थी और वो ट्रांसफर हो रही थी, तो बहुत सारी रीजंस हो सकती है, अगरचे जो है ये हमारे पास कुछ मुल्कों में ये एविडेंस है कि फूड सेफ्टी की एक्चुअल रिकॉल्स और एक्चुअल जो इंसिडेंट्स हैं हुए हैं, लेकिन जो है वो स्टिल जो ये बड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, अगर मुझसे पूछेंगे इसके नतीजे के अंदर एकदम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी की जरूरत थी कि ये बियर्स जब आप अडॉप्ट करेंगे उसके नतीजे के अंदर आपको कौन से एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे इंश्योर फूड सेफ्टी, एंड ऑल्सो अगर आपके फूड अथॉरिटी के लोग भी शिफ्टों में काम कर रहे हैं और वो उतना विग्रेसली नहीं जा सकते फील्ड के अंदर, हो सकता है कि आपके रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क मौजूद है सिंध फूड अथॉरिटी है, केपी है, पंजाब है, तो इनको हो सकता है कि इनको आपस में भी बैठ के इवेल्युएट करना चाहिए था कि ये जो प्रोसेसिंग पंजाब में हो रही है ये वाला एरिया हम देखेंगे, ये वाला एरिया आप देख लें, ताकि जो है ना वो
तमाम अपनी कैपेबिलिटीज को जो है वो यूनिफाई किया जाता और उसके नतीजे के अंदर जो है वो रिस्क असेसमेंट मैक्सिमम प्रोटेक्शन की तरफ मिनिमम रिसोर्सेज के साथ जो है वो शायद आपको जाना पड़ता। और दूसरा मे बी प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व ज्यादा किया जाता, मे बी इंडस्ट्री को कहा जाता कि आप जो है पहले हम खुद जाके चेक कर रहे थे लेकिन ये आप रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे। ई ऑडिट्स आजकल आपको पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ई ऑडिट्स का सिस्टम शुरू हो गया है कि आप कैमरा उठा के वहां के ऊपर जो है वो आप सारी चीजें आप अपने ऑफिस में बैठे हुए ऑडिट कर रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं। मुझे ये बजाय लगता है कि कोविड की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन की वजह से और जो है वर्क फ्रॉम होम और ये जो उसकी वजह से मुझे जाती तौर पर अगर मुझसे पूछेंगे तो हर सप्लाई चेन के अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज हो सकते हैं जो कि बुनियादी तौर के ऊपर जहां के ऊपर तवज्जो कम हो गई हो या जहां के ऊपर पहले तवज्जो की शायद जरूरत नहीं थी, अब इससे इस मैयस की वजह से बढ़ाने की जरूरत हो तो उसको करने की। तो मैं जाती तौर के ऊपर यस कोविड के दौरान में भी और शायद जो है वो पोस्ट पेंडेमिक भी हमें बहुत सारी जो है वो रीओरिएंटेशन की जरूरत होगी और रीथिंकिंग की और रीवैल्यूएशन की जरूरत होगी अपनी सप्लाई चेन को ताकि जो फूड यहाँ से निकल रहा है वो सेफ हो। आई थिंक अगेन आपने बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया कि इस पेंडेमिक के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी या होगी आने वाले टाइम के अंदर वो है आपकी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्टर्स होंगे, नए अडॉप्टेशन होंगी, नए लर्निंग, नए फाइंडिंग्स, नए एसओपीज पे काम किया जाएगा ताकि मेक श्योर किया जाए कि फूड सप्लाई, फूड सिक्योरिटी और फूड सेफ्टी दोनों को जो है ना मुलूज़े खातिर रखा जाए और अवामन नास को जो है वो फूड की जो सप्लाई है उसको मुहैया किया जाए। ड्राइवर्स की थोड़ी सी बात करनी थी। ड्राइवर्स में हमने पहले तो डिस्कस कर लिया कि ये जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, कंज्यूमर डिमांड बड़ी इम्पोर्टेंट है और जो जो बहुत सारे प्लस साइड्स ऑफ पेंडेमिक हैं जिसमें घर में लोगों के साथ ज्यादा ताल्लुक बनना और आप जो है वो आपके पास टाइम ज्यादा है बच्चों के साथ भी और दूसरा उसके साथ साथ एक पॉजिटिव साइंस ये भी है कि ग्लोबली फूड सेफ्टी लाइमलाइट में आई है। अगरचे फूड सेफ्टी का इशू नहीं है कोरोना बट इवन देन जो है वो लोगों ने ओवरऑल जो सेफ्टी की तरफ ध्यान दिया है। तो जब सेफ्टी की आप हैंड वॉशिंग मुसलसल शुरू कर दी, आपने सैनिटाइजर्स यूज किए या दूसरा यूज करना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड के अंदर आपके जेहन में जरूर चीज मौजूद है कि ये फूड भी कंटेमिनेटेड हो सकता है, फूड भी डिजीज भी काज कर सकता है। तो अगर इस टाइम पे देखेंगे तो एक अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप जो 5-6 ड्राइवर्स ग्लोबली समझे जाते हैं जिसमें जो है वो डेमोग्राफिक्स हैं, एजुकेशन है जिसके अंदर जो है परचेजिंग पावर है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, पॉपुलेशन की एज ग्रुपिंग किस तरह से है, वो सारी चीजें मिला के और जो है वो जो परचेज क्या कहते हैं उसको आपके पैसे टोटल आपके बजट जो है उसमें से पैसे फूड के ऊपर खर्च करते हैं सारे फैक्टर्स हैं। बट जो हेल्थ और फूड सेफ्टी का एस्पेक्ट था ग्लोबली अभी जितने भी छोटे मोटे उसके अंदर जो है जो रिसर्चेज आ रही हैं या जो ओपिनियन आ रहे हैं वो यही हैं कि लोग जो है वो फूड हेल्थ और फूड सेफ्टी रिलेटेड टू फूड जो है वो उनका कॉन्शियस कंसर्न बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी एज वेल इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जहाँ के ऊपर ये बिल्कुल बैक बर्नर पे था और फूड सेफ्टी को बहुत ज्यादा इग्नोर देखा नहीं जाता था या इग्नोर किया जाता था। तो मेरा ख्याल है कि पॉपुलेशन के अंदर एक सेफ फूड की डिमांड बढ़ी है और या शायद उनका कंसर्न जो है वो इसके ऊपर आया है। तो मुझे लगता है कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी जहाँ के ऊपर जो है वो रेगुलेटर, प्रोफेशनल्स और एकेडमिक्स को मिलके और इंडस्ट्री के साथ मिलके एक पूरी कंपेन बिल्ड करनी चाहिए कि जो कि इसको इंश्योर कर सके कि ये जो है वो कंज्यूमर ज्यादा डिमांड कर सके। एक और बड़ा चीज जो की ड्राइवर है मेरे मुझसे अगर पूछेंगे वो ब्रांड है जो कि फूड सेफ्टी का ड्राइवर है। मिसाल के तौर पर अगर किसी कंपनी का बड़ा ब्रांड फ्लैगशिप ब्रांड है और उसके अंदर फूड सेफ्टी का अगर कंसर्न जो है वो उसके लिए शायद वो बहुत ज्यादा पीछे इन्वेस्टमेंट करेगा क्योंकि उसको पता है कि एक कंसर्न आया नहीं तो मेरी कंपनी जो है मैं बैठ जाना है, मेरी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट चली जानी है। तो जितने ब्रांड स्ट्रांग होंगे उतना ज्यादा जो है वो इंडस्ट्री की सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी कि भाई मेरा ये ब्रांड जो है, मेरा एक प्रोडक्ट भी अगले 10 साल के अंदर किसी टेस्टिंग में से अनसेफ नहीं होना चाहिए। सो जब स्ट्रॉन्गर ब्रांड होंगे और ब्रांड के ऊपर अभी जो रिसर्च रिसेंट आई है वो यही है कि ड्यूरिंग पेंडेमिक जो है वो ब्रांड के ऊपर लोग ज्यादा फोकस करना शुरू हो गए, ज्यादातर लोग ब्रांड्स की तरफ आ गए। तो ये जब ब्रांड स्ट्रांग होंगे तो इसके नतीजे में इटसेल्फ जो है जो प्रोसेसर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी कि अपनी सप्लाई चेन को सेव करे वो बढ़ती जाएगी क्योंकि उसको उसका उसकी कंपनी सारी जो है उस ब्रांड के अनसेफ डिक्लेयर होने की वजह से बैठ सकती है। स्ट्रॉन्गर ब्रांड जो है वो भी एक की ड्राइवर होगा फ्यूचर के अंदर जो है वो फूड सेफ्टी को इंश्योर करेगा।
थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस टाइम के अंदर अगर आप फूड कंज्यूमर फूड बिहेवियर और उसकी प्रेफरेंसेस को देखें तो यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन के आपका जो ट्रस्ट है ऑफ कोर्स वो ब्रांड पे बढ़ भी रहा है, और साथ ही साथ आपका जो कॉन्शियस अवेयरनेस है फूड सेफ्टी के ऊपर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो इस पैंडेमिक की वजह से आ रही है, क्योंकि लामाला इस ये बिलीव किया जाता है कि आपके जितने भी अनहाइजेनिक मैयर्स होंगे वो उसके अंदर फूड है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि कोई भी फूड लेके आया जाता है तो उसको अच्छी तरह वॉश किया जाता है, फिर उसको कुक किया जाता है, फिर उसको अगर फ्रिज में रेफ्रिजरेट किया जाता है या फिर, तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं समझता हूँ, आप एक दफा मेरी आपसे इन पर्सन डिस्कशन में हुई थी कि अपने फ्रिज की भी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, क्योंकि बाद दफा आप रॉ फूड को और कुक फूड को भी जब इकट्ठे रखते हैं तो देर आर अपॉर्चुनिटीज या चांसेस है जहाँ पे आप कॉन्टेमिनेशन जो है वो कैरी कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स इस जो आपकी बड़ी अच्छी एक राय है कि हमें एक ऐसा नेक्सस बिल्ड करना चाहिए जिसके अंदर आपकी पब्लिक प्राइवेट एकेडेमिया ये तमाम लोग मिलके ऐसी कंपेन को ड्राइव करें, क्योंकि इस वक्त अवाम इस मौजू के ऊपर बात सुनना भी चाह रही है और दे वांट टू लर्न मोर। तो ऑफ कोर्स जो आज हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि जो लोग इस वक्त पॉलिसी में बैठे हैं या जो लोग ऐसी पोजिशन में बैठे हैं तो उनको चाहिए कि इन डिबेट्स को इन डिस्कशन को वो और फॉर्मलाइज करें ताकि जनरल अवाम के लिए कोई ना कोई ऐसा काम किया जाए कि जो उनको एटलीस्ट फूड सेफ्टी के बारे में पता हो। अच्छा सर, मैं अभी अपने जो आगे अगेन एक कमेंट उसमें, इजहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो पेप्सिको से हैं, वो उन्होंने कमेंट किया है कि जो वो ये, और हम इंटरन में भूल गया था, इंटरनली भी जब डिस्कस करते हैं मसला ये है कि जो फार्मर है या जो एक लड्डू पीठे बेचने वाला है जैसे 50-60 लोग आज खाएंगे, उसको पता ही नहीं है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसके नतीजे कुछ फूड सेफ्टी का रिस्क हो सकता है। सो वाइल कंज्यूमर और एंड यूजर की जो है अवेयरनेस बहुत जरूरी है वहां के ऊपर पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि दुनिया के अंदर तो आपने अगर फूड के अंदर बिजनेस करना है तो आपको मिनिमम ट्रेनिंग लेवल चाहिए और उसके बाद सर्टिफिकेशन चाहिए और फिर आप फूड का बिजनेस कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर एसएमईज और बहुत सारे जो फूड का काम करने वाले हैं उनको खुद से पता नहीं है कि भाई कौन से ऐसे काम है जिसकी वजह से फूड सेफ्टी का इशू होगा। तो हो सकता है अपनी तरफ से वो सही काम कर रहे हूँ। अब एक ट्रेंड की बात है कि हम ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो सफाई गंदे कपड़े से करते हैं कि सफाई करनी है यार, गंदा कपड़ा दो यार, सफाई करनी है साफ कपड़े से नहीं करनी। सो कहने का मतलब ये है कि शायद उनको एक एक जो एसएमईज की खास तौर के ऊपर और फार्मर्स की जो है वो ट्रेनिंग भी बड़ी जरूरी है, ताकि वो जो छोटे छोटे काम जिसके नतीजे में वो फूड सप्लाई चेन सेफ हो सकती है और उनको पता नहीं है उसका, वो तो वो करें जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है। और दूसरा, और जो लास्ट पॉइंट, योर पॉइंट वाज स्पॉट ऑन, 90% जिससे ज्यादा फूड हम पहले भी घर में खाते थे, आजकल तो तकरीबन 100% फूड हम घर से खा रहे हैं। वाइल हम चाहते हैं कि हम जब रेस्टोरेंट में जाएं तो वहां के ऊपर जो फूड सर्विस वाला बंदा हो, जो हमें फूड सर्व कर रहा हो, उसको हेपेटाइटिस ना हो, उसका टेस्ट हुआ हो, तो क्या हमने, मैं हमेशा से कहता हूँ, जो घर में हमारे घर में खाना बनाती हैं, जिनसे हम रोजाना खाना खाते हैं, ये बनाता है या बनाती हैं, क्या हमने उसका भी जो भी टेस्ट करवाए कि ये जो कि क्या ये जो है वो, अगर मुझे एक दफा एक रेस्टोरेंट में खाना खाने से अगर वो उसको ये कम्युनिकेबल डिजीज है तो मुझे हो सकती है, तो क्या आपका रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो घर में खाना, इसी तरह से जो आपकी किचन का, जो आपने राइटली कहा रेफ्रिजरेटर का और किचन का, तो जो हमारे जिनसे हमने सारी जिंदगी खाना खाना है, मे बी जो है वो जिन हाथों से, जिस किचन से, हमने उनको, उनके लिए मुझे भी ये बजाय लगता है कि हाउस होल्ड लेवल के ऊपर फूड सेफ्टी को कैसे इंश्योर करना है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो अवे ट्रेनिंग का और एजुकेशन का। आई थिंक अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर हमें ऐसी कम्युनिकेशन या ऐसा मोड बनाना चाहिए कि तमाम लोगों को हम इसमें करें। मैं यहाँ पे सबसे पहले उबैद से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे पास एक लेडी है मरहबा नियाजी, इनका माइक ओपन किया जाए। आई गेस ही ऑल्सो पुट अ क्वेश्चन, अगर मरहबा नियाजी अगर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकें तो यू आर मोस्ट वेलकम जी। सर अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हेयर मी? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सॉरी, आपको शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इट वाजंट माय क्वेश्चन, ये कोई और है, एम नियाज, एम नियाज है। माय अपोलॉजी, ओके, बीइंग अ लेडी यू गिव द अपॉर्चुनिटी, यू ब्रेक द हाउस फॉर द क्वेश्चन जी। करंटली आई Okay, anyhow, I guess we have some questions, so I'll go to the chat box. So
मोहम्मद जुबैर साहब है हमारे साथ। जुबैर, अगर इनका आप माइक ओपन करें, एंड दोज हु वांट टू आस्क क्वेश्चन प्लीज दे रेज देयर हैंड सो दैट आई कैन इन्वॉल्व देम इन द डिस्कशन। जी जी डॉक्टर जुबैर बोल रहा हूँ जी। एक्चुअली वो चैट बॉक्स में क्या हाल है जी? ठीक है। एंड डॉक्टर नासिर साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। अल्लाह, ये एक वाकई मैं जानबूझ के थोड़ी सी डिस्कशन उस तरफ ले जाना चाहता था कि हाउ डू यू सी द रोल ऑफ पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर इन कंज्यूमर अवेयरनेस रिगार्डिंग फूड सेफ्टी। यू नो प्रॉब्लम जो मुझे नजर आ रहा है कि चूंकि प्राइवेट सेक्टर इस चीजों को लीड करता है, बोलता है, बात करता है, कंज्यूमर गेट्स कंफ्यूज ना जी कि ये शायद इनके अपने किसी मकसद इंटरनल एजेंडा के तहत की कोई बात कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आप डॉक्टर साहब आप स्पॉट ऑन हैं। मसला यही है कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, बट कम्युनिकेशन कौन करे, कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस जो है ना वो हमेशा आती है कि कौन कम्युनिकेशन कर रहा है और क्या कम्युनिकेशन कर रहा है। वाइल बिजनेसेस के ऊपर जो है वो लार्जली पूरी दुनिया के अंदर भी है, और खासतौर पर जहाँ के ऊपर थोड़ी एजुकेशन कम होती है या ब्रांड्स इतने स्ट्रांग नहीं होते वहाँ पर और ज्यादा ये इशू आ जाता है कि वो समझते हैं कि क्योंकि इनका पर्सनल इंटरेस्ट है तो इस वजह से शायद जो है ये पूरी डायरेक्शन इस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। लेकिन somehow अगर मुझसे पूछेंगे तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और बेस्ड ऑन साइंस। लेकिन साइंस गलत नहीं है, साइंस जो है वो साइंटिफिक जो एविडेंस है वो अपनी बात खुद करता है। अगर साइंटिफिक एविडेंस किसी चीज के हक में है तो हमें, और वो सेफ्टी को इंश्योर करेगा या बेहतर करेगा, तो हमें इस चीज को कंसर्न नहीं करना चाहिए कि कौन बात कर रहा है। लेकिन लोग करते हैं, लोगों की ये इतनी जो है वो शायद उनके पास वो शायद नॉलेज नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर जो उनको नॉलेज दिया जा रहा है उसको ठीक तरीके से इंटरप्रेट कर सकें। तो इस वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कम्युनिकेट कर रहा है। तो अगर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होनी चाहिए, रेगुलेटर को, गवर्नमेंट को, इंडस्ट्री के साथ बैठना चाहिए। जो चीजें उसकी वजह है ना, उसकी वजह यह है कि अगर अगर मेरा एक मैं प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो एक कंपनी है वो एक्स्ट्रा खर्चा कर रही है उसकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, और वो एक प्रोडक्ट सेफ मार्केट में प्रोवाइड कर रही है जिसके नतीजे में उसकी प्रोडक्ट महंगी हो रही है, एक और कंपनी है जिसको या एक और प्लेयर है जिसको अलाउ किया जाता है और वो इतना सेफ्टी पे कंसर्न नहीं है, और इसके बावजूद वो उसकी प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर तक पहुंच रही है और वो सस्ती है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ के ऊपर जो है वो पॉवर्टी लाइन से 30% नीचे है, अनदर 39% जो फ्लोटिंग क्लास में है, तो इस पेंडेमिक की वजह से शायद जो है वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद वो भी उसमें फ्लोटिंग क्लास से नीचे आ चुके हूँ, तो वहां के ऊपर ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज क्योंकि फूड सेफ्टी की एक कास्ट है जी, एक सिस्टम जब आप बिल्ड करते हैं उसकी एक कास्ट है, उसके नतीजे में आपकी प्रोडक्ट जो है वो महंगी होनी है। तो ये बड़ा रेगुलेटर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर कि वो जो है जब तक वो सेफ अनसेफ प्रोडक्ट को फूड अलाउ नहीं करेगा मार्केट में, और सेफ प्रोडक्ट के बारे में जो है जो अपने अपने खुद से कम्युनिकेशन नहीं करेगा, तो मुझे ये बजाहिर लगता है कि पब्लिक डिमांड उस तरह से नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमारे जैसे मुआशरे में जहाँ पे लिटरेसी रेट बड़ा लो है, ये बड़ा जरूरी है कि लोगों को जो है वो जो खुद से असेसमेंट शायद ना कर सके, खुद से अपने लेबल को ठीक तरीके से ना पढ़ सके, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट को ठीक तरीके से ना पढ़ सके, उसके लिए बड़ा जरूरी है कि गवर्नमेंट छूट के और वो जो है वो सेफ्टी के बारे में जो कंसर्न है उसके बारे में जो है अवेयरनेस और डिमांड जनरेट करे, और उसमें इंडस्ट्री के साथ मिलना भी पड़े तो खर्च नहीं है, क्योंकि अगर तो साइंस की बुनियाद के ऊपर है तो फिर कोई इशू नहीं होना चाहिए। आई थिंक इसमें जस्ट मैं कुछ चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आई थिंक जैसे कि हम तमाम लोग जानते हैं कि जितने भी फूड कंसर्न आइटम्स हैं बेसिकली जनरल कमोडिटीज हैं, और एक कमोडिटीज दूसरी कमोडिटीज में उसमें फर्क नहीं लगता। फॉर एग्जांपल अगर दूध है तो वो दूध है, तो अगर एक कंपनी ऑलरेडी उसके ऊपर मिलियन बिलियन आरएनडी के ऊपर फूड सेफ्टी पे खर्च कर रही है और एक नॉर्मल लूज मिल जा रहा है जिसके ऊपर आम आवाम नास को तो पता ही नहीं, और एक ब्रांड जो है वो उस चीज को प्रमोट करता है कि दिस इज लाइक इसके ऊपर 36-37 टेस्ट हुए हुए हैं जो कि मेक श्योर करते हैं इसकी फूड सेफ्टी पे, ऑफकोर्स उसकी प्राइस भी ज्यादा होगी, उस कंपेन के पीछे जो है वो पर्पज यही होगा कि आपको हेल्दी और सेफ जो है फूड मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली समटाइम आई डू एग्री विद डॉक्टर जुबैर कि जो प्रिसेप्शन है वो टोटली डिफरेंट होती है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ महबूब जो कि एक्सपोर्ट बिजनेस को देख रहे हैं और जो है स्पेशली एग्स एक्सपोर्ट में काम कर रहे हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि जब ये एक्सपोर्ट के अंदर जब ये जा रहे हैं तो इनको क्या फूड सेफ्टी के इश्यूज आते हैं, क्योंकि नासिर भाई हमारे साथ मौजूद है, अगर आप अपना एक्सपीरियंस इनसे भी शेयर करेंगे तो वी अप्रिशिएट दैट। डॉक्टर आसिफ महबूब जी, थैंक यू डॉक्टर शहजाद,
वेरी वेल नरेटेड डॉक्टर नासिर, बड़े वैल्यूएबल कमेंट्स है. मैंने आपको कुछ 5 मिनट के बाद ज्वाइन किया, लेकिन आई ज्वाइन द स्ट्रिंग इन एवरी एक्सपोर्ट्स के अंदर पर्टिकुलरली अगर हम टेबल एग्स की बात करें वो तो डायरेक्ट कंज्यूमर आइटम में आ जाता है. उसके लिए ISO 22000 FSMS और FSSC रिक्वायर करते हैं वो लोग. हैसप पहले हैसप डच था, अब वो कोडेक्स हो गया, वो भी कंप्लायंस मांगते हैं. इसी तरह हलाल का PS3733 जो है वो कंपेटेबल है, वो भी मांगते हैं. उसके अलावा GSO अपने स्टैंडर्ड्स हैं GCC के जो उन्होंने ड्राइव किए हुए हैं. असल में ज़्यादातर फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स ओवरलैप करते हैं, उनके अंदर क्रॉस रेफरेंसेस भी होते हैं एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट. राइट एट द एयरपोर्ट या उनका जो सी पोर्ट होता है वहाँ पे अगर कोई NC निकलती है तो वो फौरी तौर पे उसको ना सिर्फ डिस्कार्ड करते हैं बल्कि ब्लैकलिस्ट करते हैं और उसको काफ़ी ज़्यादा वॉइस करते हैं. तो बाकी बहुत एहतियात करना पड़ती है, यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, चूँकि डेस्टिनेशन पे आपके एक्सक्यूजेज नहीं चलते. वहाँ तो आपके साथ US है, यूरोपियन सोर्सेज हैं, यूक्रेन से आ रही होती हैं चीज़ें. इसी तरह से हैचेबल एग्स जो हम करते हैं वो भी इनडायरेक्टली फूड चेन का हिस्सा होता है, क्योंकि वो लाइव एम्ब्रियो उसने आगे चल के ब्रॉयलर बनना होता है जिसमें से उन्होंने गोश्त खाना होता है. और उनकी पर कैपिटा पर एनम कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, 37 kg एनिमल ओरिजिन वो खा रहे हैं प्रोटीन, 37 to 40 समथिंग पर एनम, और हम लोग सिर्फ 4 kg खाते हैं. डॉक्टर नासिर से एक मेरा सवाल था सर, वो तकरीबन आपने आधा उसका जवाब दे दिया है. वो सवाल से ज़्यादा एक इंटरनल फीलिंग है कि फूड सेफ्टी जब हम इंश्योर करते हैं तो डेफिनेटली दैट इंक्रीजेज द कॉस्ट, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी इनपुट्स आती हैं, बड़ी रिजेक्शन आती है. अब हमारे जैसे यहाँ जहाँ पॉवर्टी लाइन उसकी ऑलरेडी आप बात कर चुके हैं 29%, यहाँ बड़ा मुश्किल हो जाएगा पोस्ट कोविड, खासतौर पर न्यू नॉर्मल में जो लोग कह रहे हैं कि अफोर्डेबिलिटी का एलिमेंट होगा, ये बड़ा ट्रिकी हो जाएगा आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, सालों में, कि हम किस तरह से कम्पीट करेंगे उस प्रोड्यूसर को. और जहाँ पे फिर हम कहत की बात कर रहे हो, भूख की बात कर रहे हो, माल नरिशमेंट की बात कर रहे हो, बच्चों के मरने की बात कर रहे हो, ये सारों को बैठना पड़ेगा. पर्टिकुलरली जो जो इदारे समझते हैं सब्जेक्ट को, जो चाहे वो डेयरी बिजनेस के अंदर हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग डेयरी प्रोडक्ट्स, या अगर वो पोल्ट्री से रिलेटेड हैं, या अगर वो बीफ के साथ हैं, मटन के साथ हैं, या वेजिस के साथ, जहाँ भी जहाँ जहाँ पे कंज्यूमर और ये एडिबल्स जहाँ इंगेज हैं, तो मेरा ख्याल ये सारे जो है ना इनको इकट्ठा होकर बैठना पड़ेगा, इसके ऊपर देखना पड़ेगा कि कंज्यूमर को एजुकेट भी करें एंड एट द सेम टाइम रेगुलेटर को किस तरह से ऑनबोर्ड लें कि वो ये समझा सके कंज्यूमर को कि वो अब जैसे बहुत सारा कहा जा रहा है कि इस वक्त 1 point एजेंडा होना चाहिए कि अपने आप को सेहतमंद रखें और सेफ फूड खाएं ताकि आपके अंदर कोई कोमॉर्बिडिटीज ना हो. अभी हमने कोविड के केस में देखा है, जो भी अभी पीयर रिव्यूज में जो भी जर्नल्स या रिसर्च आ रही है वो यही कह रही है कि जिन लोगों की लाइफस्टाइल हेल्दी है वो हेल्दी खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, और जो जिनके अंदर कोमॉर्बिडिटीज नहीं है कोविड, उनको इतना ज़्यादा वहाँ पे इशू नहीं हो रहा. तो ये किस तरह से एक जगह पे जाके ये सारा क्रिटिकल मास बनेगा, डेफिनेटली दैट्स अ बिग बिग चैलेंज, और आने वाले दिनों में ये कुछ सोचना पड़ेगा कि इसको. एंड थैंक यू वेरी मच शहजाद फॉर होस्टिंग सच अ ब्यूटीफुल डिस्कशन, ये ऑनगोइंग रहना चाहिए. मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर साहब को दोबारा भी बुलवाएं और इसका कोई सीक्वल रखें, क्योंकि ये एक सिटिंग में ये होने वाला नहीं है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इस पर बल्कि कंज्यूमर्स को भी लें इसके अंदर ऑन बोर्ड लें. बास कंज्यूमर हमें फीडबैक आ जाता है, हमने भी वो हेल्पलाइन वगैरह दी हुई है, बास कंज्यूमर्स को सुन के बड़ी खुशी होती है कि उनका इतना नॉलेज है. ओवर टू डॉक्टर साहब. डॉक्टर नासिर आशीष साहब थैंक यू, आप आपने राइटली जो है वो मेंशन किया कि जब ये लोगों की परचेसिंग पावर जो है वो जो पहले भी कम हो गई है और शायद पोस्ट कोविड और जो जो रिसेशन आ रही है जिसके नतीजे में अनएम्प्लॉयमेंट होगी और बहुत सारे सेक्टर्स में, क्योंकि ये सारे इंटरलिंक्ड हैं, अगरचे फूड में उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है लेकिन बहुत सारे सेक्टर बाकी बंद हैं, तो ये फैमिली की इनकम और जो ओवरऑल जो कंट्री की इनकम और सारा ये इम्पोर्टेंट है, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो हमें हमें कंज्यूमर को देखें वही है कि अवेयर करना है, एजुकेट करना है कि आप पूरे साल में अगर आपकी रिक्वायरमेंट है उसका आप 90% खा लेंगे वो डे के अंदर जो है और सेफ खा लेंगे तो बेहतर है. अगर आपने 100% ही खाते रहे और लो क्वालिटी उसमें अगर 2 दफा फूड सेफ्टी का इंसिडेंस हो गया दरमियान में तो वो आपको जो है वो उससे ज्यादा नुकसान पहुंचा जाएगा जो कि कम खाने का. तो इट इज इम्पोर्टेंट. और अपार्ट फ्रॉम के जो है वो जो फर्स्ट 1000 days हैं प्रेगनेंसी से लेके 2 years आप एज, वहाँ के ऊपर तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा सीवियर इम्पैक्ट करती है. बट
सब्सिक्वेंटली जो है वो मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि अगर हम ये भी थोड़ा सा, क्योंकि मैं न्यूट्रिशन की स्ट्रेटजी वगैरह में पंजाब की मैंने बनाई थी और मैं सारे डिपार्टमेंट के साथ उस टाइम पे काम कर रहा था, ये भी शायद मिस नोमर है कि जो थोड़े पैसों में एक न्यूट्रिशियस फूड नहीं हो सकता। जो हमारे लाइफस्टाइल है ना, जो यूनिटरी साइड ऑफ फूड है कि हमने साग पका लिया तो हफ्ता पूरा वही खाना है उसी रोक के साथ जो है, तो ये यूनिटरी टाइप ऑफ फूड स्टाइल जो है, रोटी हमने ही रोजाना खानी है, अगर वो बजट टोटल ले लें और उसके अंदर भी बैलेंसिंग हो सकती है जो है, और उसमें लो प्राइस रिसोर्सेज भी जो है ऐसे हैं जो कि ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। मुझे बजाहिर यही लगता है कि जो है वो कंज्यूमर को अवेयर करना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि खास तौर के ऊपर पेंडेमिक के दौरान में भी, अगर खुदा ना खास्ता फूड सेफ्टी इंसिडेंस की वजह से आपको डायरिया हो गया या खुदा ना खास्ता इलनेस हो गई, साथ में अगर कोविड का जो है, क्योंकि पेंडेमिक ऑलमोस्ट हर मोहल्ले में हर घर में आपको आ चुका हुआ है, तो उसकी मॉर्बिडिटी के कितने चांसेस हैं और कितना मॉर्टेलिटी के कितने चांसेस हैं। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज अपॉर्चुनिटी एज वेल कि जब हम सेफ्टी के ऊपर ज्यादा लोगों को अवेयर कर सके, बट हैविंग सेड दिस इज इम्पोर्टेंट कि लोगों को मैसेज दिया जाए कि ज्यादा खाना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सेफ खाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वट एवर यू ईट इट शुड बी सेफ। जो चीज आज आप अपने पेट के अंदर लेके जाएंगे, अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं तो आपको हेल्प करेंगे, अगर उसमें कंटेमिनेंट्स हैं तो आपको नुकसान देंगे। तो उसको बताने की जरूरत है कि इसके इमीडिएट इम्पैक्ट भी हैं और इसके लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट भी हैं। आपकी लाइफ कितनी होगी और उसमें हेल्दी लाइफ, देखिए पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपका जो एवरेज लाइफ जिसके ऊपर डायबिटीज होती है 38 ईयर्स है, आपका जो 16% प्री डायबिटिक है, 24% जो है वो इस टाइम पे जो है वो डायबिटिक है, ये 40% आपकी पॉपुलेशन है, जबकि यही डायबिटीज जो है वो अगर यूएस के दूसरे में देखें वहां पे एवरेज 68 है। 30 ईयर्स आप हेल्दी लाइफ सिर्फ एक डिजीज के अगेंस्ट जो है वो लूज कर रही है। तो उनको ये भी बताने की जरूरत है कि इट इज नॉट अबाउट कि आज आपको बीमार हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इट इज ऑल्सो अबाउट कि आप कितनी जो है वो लाइफ गुजारेंगे और उस लाइफ के अंदर कितनी लाइफ हेल्दी होगी और कितनी लाइफ विदाउट मेडिसिन होगी ये क्रोनिक डिजीज से बच के। तो मुझे बजाहिर ये लगता है कि ये दिस इज एन अपॉर्चुनिटी जब जहाँ के ऊपर जो है वो स्टिल लोगों को कम्युनिकेट किया जा सकता है कि वाइल यू आर हैविंग लेस मनी में ये ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सेफ फूड खाएं, क्योंकि आपके पास यार हॉस्पिटलाइजेशन के पैसे ना बचे या ना हो या उसको उससे उसको अवॉइड करने के लिए भी आपको। तो मुझे ये लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल और अवेयरनेस जो है वो रोल प्ले करेगा। शायद रिसेशन में हम कोई और काम तो ना कर सकें कि उसको रिसेशन कम कैसे कर सके, लेकिन अपना रोल यही हो सकता है कि कम्युनिकेशन और अवेयरनेस बड़ी जरूरी है। आई थिंक ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जो मैं अभी रिसेंटली इस पेंडेमिक के अंदर देखा कि ऑफ कोर्स आपके नाम के साथ न्यूट्रिशनिस्ट आता है तो मोस्टली लोग आपको पिंग कर रहे थे क्वेश्चन के हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो आई थिंक हेयर इज अ किक फॉर आर जो हमारे ह्यूमन न्यूट्रिशनिस्ट दोस्त हैं, प्रोफेशनल कोलीग्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो आई थिंक वो छोटे छोटे कम्युनिकेशन या ऐसे जो है बहुत से लोग कर भी रहे हैं और मैं खुद भी कोई बहुत से ऐसे लोगों से वाबस्ता हूँ जिनसे हम छोटी छोटी टिप्स लेते रहते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे बैलेंस डाइट लेना और जो सेफ और हेल्दी फूड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे चल के अगर इसके ऊपर हम ज्यादा बात या ज्यादा इसकी तशहीर करेंगे तो वो आम जनरल पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे इजहार साहब है, वन एडिशन क्योंकि आपने उसमें वो बात कर दी है। देखें ये आजकल एक एक और किस्म का मेला भी चला हुआ है जहाँ के ऊपर शुगरी प्रोडक्ट होता है, उसके अंदर इतनी सारी शुगर होती है, इतना कुछ होता है, एक उसके अंदर को न्यूट्रिएंट डाल के कहा जाता है कि ये आपकी इम्यूनिटी को बड़ा बढ़ा देगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट पब्लिक अगर कोई सुन रहा है मुझे कि इम्यूनिटी जो है वो ना आपको ओवर फंक्शनिंग इम्यून सिस्टम चाहिए, और जो 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 कोविड के अंदर जो आपको खास तौर के ऊपर जो डिजीज के नतीजे में जो आपको मेडिसिन दी जा रही होती है वो आपके इम्यून सिस्टम की ओवर फंक्शनिंग को रोकने के लिए दी जा रही होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो है वो उल्टा काम शुरू कर देता है और आपको जो है शायद कोविड ना मारे वो उसके नतीजे में जो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ओवर हो जाता है। सो ये बड़ा जरूरी है कि बैलेंस फूड, अगर 10 न्यूट्रिएंट एक इम्यून सिस्टम के फंक्शन को रिस्पॉन्ड करने के लिए 10 न्यूट्रिएंट चाहिए, अगर उसमें से एक भी नहीं होगा तो वो चाहे ये 8 वाले डबल से ट्रिपल भी मौजूद हो तो वो इम्यून सिस्टम पूरा नहीं होगा, वो फंक्शन नहीं होगा। सो बैलेंस डाइट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम के आप एक्सरसाइज करें, स्लीप वेल लें और जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में ना जाए। न्यूट्रिशन इज इम्पॉर्टेंट एंड न्यूट्रिशन बैलेंस न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप समझते हैं कि मैं एक ये वाइटामिन ए अकेला लेके या डी के सप्लीमेंट लेके या सी के सप्लीमेंट लेके तो ये बिल्कुल सही नहीं है, आपको सप्लीमेंट लेने चाहिए उस सूरत में अगर आप डेफिशिएंट हैं, अदरवाइज फूड से ही न्यूट्रिशन को पूरी करें। और बैलेंस फूड जो है वर्सटाइल फूड से आता है
और जो है जो खास तौर के ऊपर इसमें, और हमने बच्चों को इतने, मुझे मेरे कलीग्स को मिले उन्होंने कहा जी हमने बच्चों को भी ये सप्लीमेंट खिलाने शुरू कर दिए। मैंने कहा इसका मतलब है कि आप घर में इतना अच्छा फूड बनाते हैं और वेल ऑफ हैं, वो बच्चों की ऑलरेडी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी नहीं होगी, तो उनको आप इसका मतलब है उल्टा आप ये सप्लीमेंट बंद करेंगे तो उनकी कैपेसिटी टू, क्योंकि गट के अंदर शहजाद आप खुद न्यूट्रिशनिस्ट हैं, गट के अंदर जो है जो इंटरेक्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, जिसके नतीजे में अब्सॉर्प्शन होती है, तो मैंने कहा कि आपने इनको आदि कर देना है, बाद में जब ये फूड से भी ये न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब नहीं कर सकते क्योंकि आपने इनको हैवी डोजेज दे रहे हैं, तो सो बैलेंस फूड सप्लीमेंट्स जो है अगर डेफिशिएंट है जरूर जाना चाहिए, अदरवाइज बैलेंस फूड, और बैलेंस फूड जो है वैरायटी ऑफ फूड से आता है, और किसी फूड से ये नहीं होता कि कोरोना बढ़ जाता है ये कम हो जाता है, ना किसी एक आध न्यूट्रिएंट से जो है वो इम्यूनिटी बढ़ जाती है कम हो जाती है, ये तमाम जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे प्ले देयर रोल इन नॉर्मल इम्यून फंक्शन, सो नॉर्मल इम्यून फंक्शन जरूरी है, ना अंडर फंक्शनिंग इम्यून सिस्टम चाहिए ना ओवर फंक्शनिंग चाहिए, जो कि काम का जो है वो बंदूक पकड़ के जो है अंदर फायरिंग शुरू कर दे और उल्टा आपको नुकसान पहुंचाए। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वी शुड अंडरस्टैंड कि बैलेंस फूड क्या और बैलेंस न्यूट्रिशन क्या, एंड ऑफ कोर्स अगेन दिस इज अनदर टॉपिक जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। अवान साहब है, इजारुल हक साहब है हमारे साथ, इनका माइक ओपन करिएगा प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी सलाम सर, कैसे हैं डॉक्टर साहब? माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने इंफॉर्मेटिव सेशन कर रहे हैं। तो आई थिंक के जो मेन चैलेंज, जैसे मैं आपने कमेंट्स में ऑलरेडी देखा कि मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो बैकग्राउंड बेसिक सोर्सिंग पे चैलेंजेस हैं ना फार्मर्स के यहाँ, और प्लस हमारे जो इंटर बिटवीन यानी जो अनएजुकेटेड लोग इन्वॉल्व हैं लॉजिस्टिक में, और फिर इवन ये जो छोटे रिटेलर्स हैं वो आपने देखा है कि वो गंदे नाले के पानी से वॉश कर रहे होते हैं, ऊपर डायरेक्ट मक्खियों के लिए वो डायरेक्ट स्प्रे कर रहे होते हैं, तो ये एक अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा फुकदान है कि इस पे अगर आप थोड़ा सा बताएं कि इसको कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चाहे बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने मैंगो तो वहीं से आने हैं, पोटैटो भी वहीं से आने हैं, फार्मर से आने, उसी सोर्सेज से आने, तो सप्लाई चेन में ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जिनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। इजहार भाई मुश्किल सवाल डाल दिया है आपने, जो है वो अफकोर्स ओरिएंटेशन, देखें अगर मैं रेगुलेट, मुझे मुझे दुनिया के अंदर जो है ना फूड सेफ्टी इम्पोर्टेंट है, बट फूड सेफ्टी को कैसे देखा जाता है, इक्वालिटी भी बड़ी जरूरत है, इक्विटी भी बड़ी जरूरत है। एक आदमी जो है जो कि गरीब आदमी है उसके लिए फूड सेफ्टी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो बीमार हो जाएगा उसके पास हॉस्पिटल जाने के पैसे भी नहीं है, उसके मेडिकल जो है वो एडवाइस सीख करने के भी शायद पैसे नहीं है, अगर वो सीख करेगा भी बड़ी रास ही करेगा, शायद उसके पास टेस्टिंग और अप्रोप्रिएट जो है वो शायद सारी जिंदगी उसके पास आ सके। तो ये जो रेगुलेटर होता है, जो गवर्नमेंट होती है ना, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किन चीजों को प्रायोरिटाइज करना है। आपने भी राइटली मेंशन किया, यहाँ पे मैं क्वेश्चन में सजेशन में जो जो हमारा चैट टैब है वहां पे भी देख रहा हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, तो हमें कहाँ पे फोकस करना है। एज ए रेगुलेटर अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं शायद जो है वो देखूंगा कि पहले जो है वो उन कहाँ पे मुझे अपने अपने रिसोर्सेज सबसे ज्यादा एम्प्लॉय कहाँ पे करने हैं, और किसको मुझे सबसे पहले जो है वो सेफ गार्ड करने की कोशिश करनी है। तो स्मॉल एंटरप्राइजेज जो हैं और उसके अंदर जो है वो वी आर फॉर्चुनेट के यहाँ के ऊपर जो है वो हजारों के नतीजे में फूड साइंटिस्ट भी मौजूद हैं और अनएम्प्लॉयड हैं, यहाँ के ऊपर न्यूट्रिशनिस्ट भी हजारों की तादाद में मौजूद हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, सारा मौजूद है। तो बुनियादी तौर के ऊपर बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन अगर हम पर्सन टू पर्सन भी करना चाहें तो शायद इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन वही आ जाता है कि आपका फोकस कहाँ पे है। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक के साथ मीटिंग कर रहा था तो मैंने उनसे डिस्कस किया, मैंने कहा सर देखें आपके पास इतनी बड़ी फोर्स मौजूद है फील्ड के अंदर, लाइफ स्टॉक जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, वैक्सीनेशन भी इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, बट जो है वो उनका मैनेजमेंट का रोल जो है और उसके नतीजे के अंदर जो है वो 10 चीजें जो ठीक करके जिसके नतीजे में प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है और उस किसान की जो है वो शायद फूड सेफ्टी वहां से बढ़ सकती है, उस पे काम किया जा सकता है। तो यू आर राइट के व्हाइल
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, सप्लाई चेन बेहतर चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिसको इमीडिएटली अवेयरनेस और ट्रेनिंग और एजुकेशन के साथ बेहतर किया जा सकता है और उसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं होगा। दूसरा ये है कि जब रेगुलेटर जो है वो थोड़ा सा चलेगा एजुकेशन अवेयरनेस ट्रेनिंग के बाद जो है उतना सख्त एक्शन भी लेना शुरू करेगा तो मे बी लोगों की मजबूरी बन जाए। अभी होता क्या है क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि सेफ फूड सेफ्टी की कास्ट होती है तो एक रुपया भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो एक रुपया जो एक्स्ट्रा लगाता है उसके नतीजे में अगर उसकी सेल डाउन चली जाती है तो वो भी नहीं लगाता। उसको पता भी होता है, वो कहता है कि मैं एक्स्ट्रा रुपया लगाऊंगा उसके नतीजे में मैं एक रुपया महंगी जब ये चीज बेचूंगा तो मेरी दुकान पे रश नहीं होना, रश साथ वाली दुकान पे होना। तो ये भी जरूरी है कंप्लीट ट्रेनिंग करें, लेकिन ये भी जरूरी है कि लोगों के भी अवेयर करें कि भाई ये जो सेफ्टी एंड की है ये इस वेंडर की के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रोसेसर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने आपके पेट के अंदर जाना है, इसने आपके बॉडी के फिजियोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब करना है। तो मुझे बजाहिर ये लगता है जार भाई कि अगर वाइल इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम जो है वो इनकी ट्रेनिंग करें, इनको अवेयरनेस करें, एजुकेट करें, बट एट द सेम टाइम जो है वो लोगों को पुल जो क्रिएट करना ना, डिमांड जनरेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर के जो कि बुनियादी तौर के ऊपर अगर वो किसी ने अच्छे शीशे लगाए हुए हैं, साफ सुथरा रखा हुआ है, सेफ एनवायरमेंट में रखा हुआ है, फिर वहां प्राइस ज्यादा होगा, एक रुपया महंगा भी होगा तो शायद जो दूसरा भी करेगा। लेकिन इशू यही है कि क्योंकि डिमांड उतनी ज्यादा सेफ फूड की आज भी नहीं है तो उसके नतीजे के अंदर जो है जो इन्वेस्टमेंट करना भी चाह रहा होता है तो वो भी बेचारा जो है वो वापस आ जाता है क्योंकि उसको पता है मैं आउट ऑफ बिजनेस हो जाऊंगा। आई थिंक आज का जो टॉपिक है वो इतना इंटरेस्टिंग है कि अगर हम इसके ऊपर जितनी मर्जी डिस्कशन करें करते जाएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स वी हैव अ लिमिट ऑफ टाइम। मैं एक फाइनल कमेंट लूंगा नियाज साहब से कि ही शुड बिकॉज ही पुट वेरी गुड क्वेश्चन। सर आप क्विकली वाइंड अप कर लें बिकॉज वी हैव जस्ट 5 मिनट्स टू क्लोज। नियाज साहब का अगर माइक ऑन म्यूट कर दीजिए। आई एम नियाज मोहम्मद फ्रॉम क्वाट यूनिवर्सिटी एंड आई डू पीएचडी फ्रॉम जीजियांग यूनिवर्सिटी चाइना। तो ये फूड और एग्रीकल्चर के हवाले से बेसिकली आई एम माइक्रोबायोलॉजिस्ट, तो फूड के हवाले से थोड़ी सी जो है ना नो हाउ मुझे है थोड़ी सी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी डिबेट और बहुत अच्छी डिस्कशन रही, सच लाइक डिस्कशंस एंड मीटिंग्स शुड बी ऑलवेज ड्यू टू दिस कोविड इफ यू आर लॉक डाउन इन साइड ऑफ द होम्स, बट थ्रू इंटरनेट वी कैन बी कनेक्टेड एंड वी कैन टॉक टू ईच अदर फॉर सोल्यूशन। तो एक सजेशन जो मेरे जहन में आ रही थी, ठीक है वी आर डिस्कसिंग ऑन दीज इशूज, we are publishing literature on these issues, lekin agar hum inki recommendations banakar hamare paas jo food authorities jo food quality ko street level par vendor level par farmer level par monitor kar rahi hain unko agar hum bata dein to wo theek hai kuch waqt to lene dene mein guzar jayega unka, lekin there will be a time they will start to think on it, वो उस पर सोचना शुरू कर देंगे यार ये एक चीज है तो हम इस चीज को कवर अप क्यों नहीं देते हैं, चाहे वो फूड सेफ्टी के हवाले से हो, चाहे उसमें जो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड हम रख देते हैं, लिमिटेशन ऑफ डिफरेंट टॉक्सिक मटेरियल्स, चाहे वो एफ्लाटॉक्सिन की बात कर रहे हैं हम, माइक्रोबियल लोड की बात कर रहे हैं हम, हैवी मेटल्स की बात कर रहे हैं हम, अगर हम उन इन अथॉरिटीज को पहुंचा दें और वो अथॉरिटीज किसी तरीके से उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो ग्रेजुअली विद पैसेज ऑफ टाइम 5 to 10 years 7 years जितना भी वक्त लगे उसके बाद शायद हमारा फार्मर इस चीज पर सोचने पर आमादा होगा कि यार झूठ बोल कर तो थक गए हैं, ये बता बता कर भी तो थक गए हैं, उससे बेहतर ये है कि हम इस चीज को ठीक करके ही क्यों नहीं भेजते हैं। तो इस तरह की अगर कोई हम एक पॉलिसी बनाए कि हमारी जितनी भी अथॉरिटीज जो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से काम कर रही हैं हम उनको ये चीज बता दें तो वो ऑन ग्राउंड आ जाएगी, प्रैक्टिकल में आ जाएगी। तो यही मेरी एक सजेशन थी। माशाल्लाह निसार साहब ने बहुत, नासिर साहब ने बहुत अच्छी टॉक की और ही इंक्रीज द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट दिस सब्जेक्ट। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। आई गेस अगेन दिस इज अ वेरी गुड सजेशन एंड I love Quhart because I did my FSC from Quhart. But anyhow, I'll remain in contact with you. Thank you very much, sir. Nasir, yakin karein ki jaise Asif bhai ne bhi bataya ki we should come up with a series of lecture series on this food safety, and of course, we should also get in the people who can talk tell us about ke logon ko balanced nutrition ke upar bataya jaye taaki ye pure ke pure ek chapter ko encompass kiya jaye aur general awareness ko jitna simple aur easy kiya jaye. This will be a good thing, and of course,
जो किक है वो इसके अंदर यही है कि दिस पुल हैज टू बी क्रिएटेड फ्रॉम द कंज्यूमर एंड। और जैसे कि सर अफजल ने भी अपने पॉइंट्स में बताया कि ये जो फूड सेफ्टी के जो सब्जेक्ट्स हैं ये हमें स्कूल लेवल पे भी इंट्रोड्यूस करने चाहिए ताकि लोगों को उस लेवल से पता चले, क्योंकि तमाम चीजों को जब हम देखते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम कहीं ना कहीं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये कहूंगा कि हमें अपनी तरबियत की बुनियादों को दोबारा से सेट करने की जरूरत है। शायद हमें उन बच्चों को बिल्कुल आगाज से जो है ना कुछ चीजों की तरबियत देनी पड़ेगी जो कि बड़े होके वो इन तमाम चैलेंजेस को जो है वो बखूबी जो है वो एज अ कॉम और एज अ पर्सन अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। मैं इसके साथ साथ अगेन आप तमाम लोगों का मशकूर हूँ और डॉक्टर नासिर का स्पेशली कि सर आपने टाइम दिया। नासिर भाई इफ यू वांट टू से समथिंग प्लीज। जी जी लास्ट लास्ट कमेंट है एक तो ये कि जस्ट के अमेरिका टोटल जो टेस्टिंग वॉल्यूम होता है ग्लोबली उसका 30% जो है वो अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका में है, 30% यूरोप में है, 30% एशिया पैसिफिक में है और पूरी दुनिया बाकी में 10% है टोटल जितना भी। और जो अगर माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग की बात करें और तो वो जो है अमेरिका में आने एवरेज पर पर्सन जो है 1 माइक्रोबियल टेस्ट है सेफ्टी के लिहाज से, यूरोप में शायद 0.5 टेस्ट है और हमारे यहाँ जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है 0.07 है। सो जब सेफ्टी जो है वो सिस्टम से आती है बट हैविंग सेड दिस जो है वो एक वेल जो है वो कंट्रोल्ड मॉनिटर्ड सिस्टम से आती है। आजकल की दुनिया में ये कहा जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट जिसको आप टेस्ट नहीं किया हुआ हो सकता है वो अनसेफ हो। सो सेफ्टी इंश्योर जो है वो फाइनल प्रोडक्ट आप टेस्ट करके ही करते हैं। लेकिन दो चार चीजें जैसे आपने कहा कि सेफ्टी स्कूल लेवल के ऊपर हम गन बला सारा कुछ स्कूल में पढ़ाते हैं सब कुछ जो है वो पता नहीं क्या का कुछ, एक पब्लिक हेल्थ के ऊपर सब्जेक्ट होने चाहिए जिसमें वैक्सीनेशन भी हो फूड सेफ्टी भी हो बेसिक सा। और दूसरा ये है कि स्कूल इज द प्लेस ना, अगर आज बच्चा जो है जो आज फूड सेफ्टी के ऊपर हो जाता है तो उसकी उसकी जब शादी होगी उसके अपने ही बच्चे होंगे और उसको 60 साल है, 50 साल के आदमी को जो है वो मेरी वालदा आज भी हाथ नहीं धोती साबुन से, CS85 वो कहती है जरासीम किधर है, वो मुझे कहती है वो गाली भी देती है कंजरा था धन जिन्हें जरासीम तुम बहुते समझते हो उन्ना बीमार भी होंगे मैनू देख मैनू अज भी मैं 85 साल हो गया। सो कहने का मतलब ये है कि एक खास एज भी होती है जिसके बाद जो है वो तो स्कूल इज द प्लेस, बच्चों को पकड़े उनको उनको एजुकेट करें और ये जो है वो अगले 60 साल तक आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न देगा। दूसरा शहजाद भाई हम अगर मिलके फूड अथॉरिटीज अपनी जगह के ऊपर बट हम मिलके अगर 2 दिन किसी जगह पे बैठ जाएं बेशक ऑनलाइन के थ्रू हम एक एक सप्लाई चेन को पकड़ के उसके अंदर किसका क्या रोल है क्या क्या करना चाहिए फूड सेफ्टी को लेके और रोड मैप बना दें कि शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है मीडियम टर्म में क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, उस रोड मैप को अगर हम प्रेजेंट करें तो मेरा ख्याल है कि एक-एक हमारा एक वायबल जो सलूशन तो अल्टीमेटली यही है कि थ्रू गवर्नमेंट थ्रू ब्रिंगिंग स्टेक होल्डर टुगेदर, तो मेरा ख्याल यही है कि अथॉरिटीज भी इसमें बैठ सकती हैं बट एट द सेम टाइम जो है वो रेगुलेट जो जो टेक्निकल लोग हैं एक्सपर्ट्स हैं एकेडमिशियंस हैं साइंटिस्ट हैं वो मिलके अगर जो है वो बैठे 2-3 दिन के लिए हर एक सप्लाई चेन को पकड़े उसके अंदर कौन सी चीजें करने वाली हैं शॉर्ट टर्म में कौन सी हो सकती हैं मीडियम टर्म में लॉन्ग टर्म में कौन सी हो सकती हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि एक अच्छा वे फॉरवर्ड हो सकता है जो है फूड सेफ्टी को इंप्रूव करने के लिए। थैंक यू वेरी मच शहजाद भाई, इट वाज अ प्लेजर टू इंटरेक्ट विद द सच इनफॉर्मड कोलीग्स, तो आई होप के जो है वो इट मेड सम सर वी आर थैंकफुल बिकॉज़ वी गॉट वेरी जो ना साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इन अ वेरी सिंपल वे, प्रोबेबली हमारे देखने और सुनने वाले लोगों को भी जो है वो इससे मुस्तफीद होंगे। एंड ऑफ कोर्स यू स्पॉट ऑन के टेक होम यही है कि हमें इस पूरी सप्लाई चेन के अंदर SOPs बिल्ड करनी है और ये देखना है कि कौन सा इदारा या कौन सा प्रोफेशन इसके अंदर वैल्यू एडिशन कर सकता है, हम उसमें लो हैंगिंग फ्रूट्स को भी हिट कर सकते हैं और फिर हम अपनी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को डिफाइन कर सकते हैं। विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू अगेन, इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे और नए टॉपिक के साथ और नई सोचों के साथ। तब तक आप जहां पे भी हैं महफूज रहें, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट सेफ एट होम और इंशाल्लाह नए टॉपिक से दोबारा हाजिर हैं। किसी का कोई फीडबैक हो काइंडली अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट प्रोग्राम को हम बेहतर कर सकें। इस प्रोग्राम के मिनट्स ऑफ द मीटिंग और इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह हम आपसे जल्द शेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।